आप लोग जानते हैं मैंने आज आपको यहां क्यों बुलाया है। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों में से किसकी वजह से कानपुर में हमें स्टील की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। मेरचल, यस सर, टेंडर आप भरते हैं, आप बता सकते हैं हमारा टेंडर नामंजूर क्यों हुआ? सर, मैं जो भी टेंडर तैयार करता हूं तमाम डिपार्टमेंट्स के दिए हुए रेट्स पर बनता है। मेरा ख्याल है इन्होंने पिगारन का रेट जरा ज्यादा दे दिया था। क्यों? इट इज लाइक दिस सर, मैंने मिस्टर महेंद्र श्रीवास्तव को कंसल्ट करके फिगर दी थी। ओ, तुमने इतना ज्यादा रेट क्यों दिया जो एक्सेप्ट नहीं हुआ? जी, बात दरअसल यह है कि हमारे पास कोयले का स्टॉक बहुत कम है और इसके अलावा आप तो जानते हैं कि वैगन्स की भी कमी है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें बहुत सा कोयला मार्केट रेट से ज्यादा भाव पे खरीदना पड़ता है। कोयले की पोजीशन जानने के लिए तुम कोल कमिश्नर से मिले थे? जी, वक्त बहुत कम था, अगले दिन सुबह 10 बजे हमें टेंडर दाखिल करना था। मैं पूछता हूँ तुम कमिश्नर से मिले थे ये नहीं? जी, मैं 12 बजे रात तक कमिश्नर साहब के घर बैठा उनका इंतजार करता रहा, लेकिन वो डिफेंस काउंसिल की मीटिंग से वापस नहीं। तुम अपनी डिफेंस पेश मत करो, मुझे काम से मतलब है, काम से, बातों से नहीं। और फिर ये कॉन्फ्रेंस बंबई में हो रही थी, दिल्ली में नहीं, तुम वहां से चले ही क्यों आए? तुम्हें रात भर उनका इंतजार करना था। लेकिन डैडी मेरे, ओह शट अप, डोंट डैडी मी एनीमोर। तुम्हें बेटा कहती हूँ, मुझे शर्म आती है, 5 लाख का नुकसान कर दिया। अब बातें हो रही, बातें बातें बातें, कब तक छोड़ू तुम्हारी बातें? और कुछ नहीं, तुम अपने छोटे भाई सुंदर से कुछ सीखो, तुम्हारी तरह बातू नहीं है, काम करता है। आजकल इम्तिहान के लिए पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है। भाई सुंदर, आज तो मजा आ गया गेम का, रियली वेल डन। सुंदर, अपने कॉलेज की तरफ से तुम्हें कश्मीर टूर्नामेंट के वास्ते भेज रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने कॉलेज का नाम रोशन करोगे। प्रोफेसर साहब, आपके अगर आशीर्वाद हमारे साथ है तो यकीन जाने मैं चैंपियनशिप जीत के आऊंगा। मुझे यकीन है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छा, शाम का क्या प्रोग्राम? पहले ये बताओ चिंटू कहाँ? चिंटू अभी अभी तो यही था। चिंटू, नो चिंटू, तुमने फिर चौका बदला। प्यारे सुंदर, मैं सच्चा देशभक्त हूं और नेशनल इंटीग्रेशन में ईमान रखता हूं। नेशनल इंटीग्रेशन? यस, नेशनल इंटीग्रेशन, समझे? नहीं। राष्ट्रीय सद्भावना, अब समझे? नहीं। ओहो, कौमी इत्तेहाद? बिल्कुल नहीं। अभी नहीं? नहीं। अरे मूर्ख, एक प्रदेश के आदमी का दूसरे प्रदेश के आदमी से प्यार करना, इसे कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। यस, और जब तक ही मैं दूसरे प्रदेश की लड़की से शादी नहीं कर लूंगा, मेरा ये सपना पूरा नहीं होगा, समझे? यानी कि मीना के बाप ने जो ठुकाई की थी वो तुम भूल गए? कोई बात नहीं, अगर प्राण प्राण प्रदेश प्रदेश की लड़कियों के बाप भाई मेरी जान भी ले लें तो भी मैं जीते जी नेशनल इंटीग्रेशन की तमन्ना नहीं छोड़ूंगा। यानी अब के आपकी नजर कलकत्ता पर पड़ी है, कहाँ मिली थी? यार, वो हमारे बाजू वाले बिल्डिंग में अभी शिफ्ट होके आई है। भाई वाह, क्या हिरनी जैसी आंखें उसकी। अबे चल, क्या थैंक यू सी माय बुक। यार आई एम इंसल्टेड। अच्छा ये तो बता, तू कश्मीर चल रहा है कि नहीं? ओ श्योर श्योर, व्हाई नॉट। लेकिन यार सुंदर, एक तरकीब बता। क्या? ताकि मैं अपने कंजूस मक्खी चूस डैडी से कश्मीर जाने के लिए कुछ पैसे मार सकूं। तुम्हारे डैडी क्रॉसवर्ड पजल खेलते हैं? यस यस। कभी इनाम जीता उन्होंने? ओहो, आखिर वो मेरे ही तो डैडी हैं। और तुम जानते हो कि मैं कॉलेज में सबसे बड़ा डफर मशहूर हूँ। चल चल गाड़ी में बैठ, कल सुबह 10 बजे मेरा इंतजार करना घर पे, मैं कोई तरकीब सोच के आऊंगा। क्यों क्यों, क्या बात? चल चल बैठ। व्हाट इज द प्लान? डैडी, क्यों बोर कर रहे हो? कितनी बार तुमसे कहा कि जब मैं क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहा होता हूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। बाबूजी, आज मुझे सपना आया कि आपको
एसएमडीसी की तरफ से 50,000 रुपए का पहला इनाम मिला है। सच बेटा? सच पिताजी, बस इसी खुशी में 1,000 का पत्ता यहाँ दे दीजिए। 1,000 रुपए? हाँ। अरे भाई देवे, मैं तो भूल ही गया, आपको सुन के ये खुशी होगी कि आपका बेटा आफ्टर ऑल कश्मीर जा रहा है अपने कॉलेज की तरफ से टेनिस टूर्नामेंट के लिए। बस पिताजी, खर्चे पाने के लिए पैसे चाहिए। बरखुरदार, ऐसे चक में तुमने कई बार दिए हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी चाल में आने वाला नहीं हूँ। जब तक तुम्हारा सपना सच्चा नहीं होता, तब तक 1,000 रुपए का सपना देखो। जाओ। हाँ। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। सख्या माँ, ये प्रेरिका है। क्या जी, आपका नाम मिस्टर ज्ञान प्रसाद है? सो जी नहीं, मेरा नाम ज्ञान प्रसाद है, ये मेरा बेटा चिंटू। तभी हम ठीक सोचा सो कि इतना इंटेलिजेंट नाम ऐसा बुद्धू का कैसे हो सकता है। सो आपने बिल्कुल ठीक सोचा, मेरा भी इसके बारे में यही ख्याल है। यन पेरे सुंदर मुंदर हमारा नाम है। बाबा 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 बाबा, कितना नसीबदार आदमी है आप सर। हम एसएमडीसी की तरफ से आया सर। तब तो जरूर कोई अच्छी खबर लाए। बताइए, जल्दी बताइए ना, बात क्या है? क्या गलत करता है सर? हमको देखना है तुम्हारा हार्ट कितना स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारा नशा कैसे चलता है सर? बहुत तेज चलती है। जल्दी बताइए ना, बात क्या है? क्रॉसवर्ड नंबर 420 सर। हाँ। तुमने भेजा था? हाँ, भेजा था। बाबा बाबा बाबा, कितना नसीब वाला आदमी है। अरे रे रे, फर्स्ट प्राइज क्रॉसवर्ड का 50,000 रुपए सो तुमने मिला। सो हजार रुपए सुंदर मुंडर, अपनी मूंछों को साफ दो। देखा पिताजी, मेरा सपना सच्चा निकला। हाँ बेटा, मान गए। मान गए? मेरे 1,000 रुपए पक्के? हाँ पक्के। गुड, फिलहाल तुम ये 100 रुपए ले जाओ और मिस्टर मुंदर को अच्छी तरह से एंटरटेन करो। और देखो, आते टाइम नींद आने वाली गोलियों की एक शीशी जरूर लेते आना। नींद वाली गोली? हाँ। यू मीन स्लीपिंग पिल्स? हाँ हाँ। पिताजी आपके लिए? अरे नहीं, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, ताकि उसे खाकर तुम्हें गहरी नींद आए और ऐसे ही सपने तुम रोज रोज देखा करो। थैंक यू मिस्टर मुंदर। थैंक यू वेरी मच। लिंग आशीर्वाद हम सर नानपोर है। ए नड़प्पा, जाओ नड़प्पा, जाओ। 50,000, मुझे 50,000 मिले। क्या चाल चलिए तुमने सुंदर मुंदर, एक दफा तो मैं भी चक्कर खा गया था। चलो तुम्हारा काम तो बन गया। मुश्किलों पर काबू पाने से आदमी कामयाबी हासिल करता है। मेरी तरफ देखो, मेरी तमाम जिंदगी तुम्हारे सामने है। डैडी, आज आपका मूड कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी बात सुना के रहूंगा। मैं कश्मीर जा रहा हूं टेनिस टूर्नामेंट के लिए। तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। ये श्रीवास्तव खानदान का महान और पवित्र खून है। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। तुम खुद ही क्यों नहीं रियायत करते कि तुम एक श्रीवास्तव हो? श्रीवास्तव खानदान की जय। डैडी मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे बड़े भाई के लिए क्या सोच रखा। डैडी मैं सचदेव की सिन्हा की लड़की के साथ उसकी शादी करने जा रहा हूँ। डैडी मैं, और देखो तुम्हारे लिए भी डिग्री के लिए भिजवा रहा हूँ जर्मनी। और जब तुम क्वालिफाइड होकर वहां से आ जाओगे, सब पिग आयरन का काम इसे सौंप दिया जाएगा। डैडी वो, और उस वक्त देखना कोई भी फर्म हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। डैडी मैं दोनों का मुझे कितना मान होगा, कितना फख्र होगा। तुम्हारी बदौलत श्रीवास्तव खानदान में 4 चांद लग जाएंगे। अरे तुम कुछ कहने जा रहे थे ना? हाँ डैडी, मैं यही कहने आया था कि मेरा मतलब है कि कॉलेज की तरफ से टेनिस टूर्नामेंट के लिए मुझे कश्मीर जाना है। मैं जाऊं? ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। लेकिन चैंपियनशिप जीत के आना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा डैडी, आई प्रॉमिस यू। आई नो, आई नो, आई नो। कलकत्ते से आपका ट्रंक कॉल आया है। ओह दैट इडियट गोर्धन सब काम खराब कर रहा है। महेंद्र, मुझे थोड़ी देर में शायद तुम्हें कलकत्ते भी जाना पड़े, तैयार रहना। चलो चलो जल्दी चलो। ए होल्ड दिस, फिर भैया,
ये सर जेपी सिन्हा की बेटी का क्या चक्कर है? सीमा का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये पिताजी की कोई स्कीम है। शादी मेरी सीमा से ही होगी। प्यार होता तब तक हमारी शादी हो चुकी होती और मुझे दफ्तर वालों के ताने भी सुनने ना पड़ते। सब यही कहते हैं कि आप मुझसे प्यार का खेल रचा रहे हैं। ये तो पुरानी बात है। शायद तुम ये नहीं जानती कि जो प्यार करते हैं लोग उनसे अक्सर जला करते हैं। सीमा जी क्या करूं, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कि डैडी से बात करूं। मौका नहीं मिल रहा या हिम्मत नहीं पड़ रही? कहती तो तुम सच हो, लेकिन घबराओ नहीं, जिस दिन डैडी अच्छे मूड में होंगे मैं उन्हें मना लूं। ना जाने वो दिन कब आएगा। बहुत जल्द गाड़ी चलने का टाइम हो गया, चिंटू का बच्चा अभी तक नहीं आया। ये चिंटू कौन है भाई? भाई मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है, मैं पहले मिल चुका हूँ उसे। बहुत अच्छी बात है कि अभी तक नहीं मिले आप उससे भैया, क्योंकि दिमाग का जरा बिल्कुल। कोई बात नहीं, जरा अपनी गर्लफ्रेंड से तो मिला दो हमें। भैया मेरी तकदीर में गर्लफ्रेंड कहाँ से, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का दिल तो आपने जीत रखा। सुंदर क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूँ? भैया से पूछो, पूछ लो। बात तो सच है। अब आप भी बातें बनाने लगे? भाई सच्ची बात है। अच्छा भैया नमस्ते जी। आईने में शक्ल देखी? Yes, I've seen this morning. ये क्या लिबास पहन रखी? चुगत लग रहे हैं आप, चुगत। अब हम कश्मीर जा रहे हैं और कौन जाने कश्मीर जन्नत नजीर में मेरी राष्ट्रीय सद्भावना की कामना पूर्ण हो जाए। पानी पिला, प्यास लग रही है मुझे। अरे अरे पानी भरना भूल गया। यानी कि ये भी आपके दिमाग की तरह खाली है। स्टेशन से भर के लाता हूँ, मेरा बिस्तर लगा देना। देखो जरा मेरे लिए आधा सिर दूध लिया ना। हरिचरण जी, सोमनाथ जी। हाँ थोड़ा पानी देना, थोड़ा सा दूध। स्टेशन का नाम क्या है? सुना ना सर? बहुत ही सुना है। जल्दी 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 भरती है ना? भरती है साहब। अरे वाह चिंटू बेटा, बत्ती में जाकर सो भी गए तू? चल पानी पी ले, बुरा बुरा खा भाई। चल 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 अबे चल। देखिए मेरा ख्याल है कि मैं गलती से गलत कंपार्टमेंट में आ गया। मुझे तो कहीं चोट लग रहे हो, राजा जल्दी से चेन खींचो। देखिए चेन मत खींची, आप चेन खींचेंगी गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी तो कंडक्टर आ जाएगा और कंडक्टर आ जाएगा तो मुझे गर्दन से पकड़ के बाहर खींच ले जाएगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये लेडीज कंपार्टमेंट है और मुझे मुझे जलील होना पड़ेगा। प्लीज रहम भाई कर भाई मेरी हालत, और फिर मेरी सूरत देखी अच्छो ऐसे होती। तुम लोगों ने धंधा बना लिया है, चलती ट्रेन में आके बेबस औरतों के जेवर लूट लेते हो। राधा जल्दी से चेन खींचो। शक्ल से तो ये चोर नहीं लगता। यही तो मैं कह रहा हूँ। यू शट अप राधा, तुम जानती नहीं ऐसे पक्के चोर शरीफों का भेद बदल कर आते हैं। देखिए मैं एक शरीफ कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ये तो मेरी नसीब की बात है कि मुझे आप सब से ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं। प्लीज हैव सम सरस मत। आप क्या जेब से पिस्तौल निकालना चाहते हो? ओ गॉड नो। खबरदार हाथों पर उठा वरना मैं चेन खींचती हूँ। चेन चेन मत खींचिएगा जी, हाथ ऊपर कर दिए मैंने। और भी किसी तरह बेइज्जती करना चाहें आप तो कर लीजिए। लो अब चोर लफंगों को भी बेइज्जती का डर होने लगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो पता चलेगा इसकी कितनी चोरियां। हाथ ऊपर। और शायद किसी लड़की के इज्जत पे डाका भी डाला होगा। आइंदा मैं किसी भी स्टेशन पर पाने के लिए कभी नहीं उतरूंगा, चाहे वो टिम्बकटू का स्टेशन क्यों ना हो। कभी जिंदगी भर लेडीज कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ूंगा। मैं नहीं चढ़ूंगा और आपका ये खूबसूरत सलूक जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
और आपके मेहमान नवाज का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद देवी जी। जय हिंद। चलो बेटा पानी। श्रीवास्तवा चिंटू भार्गवा। मिस्टर श्रीवास्तवा 209 प्लीज। थैंक यू। एक 209 नंबर में। चिंटू जूते खा चुके तो 209 में आ जाना। ओके ओके। आप हमें कौन सा कमरा दे रहे हैं? 206 पेज 206 नंबर। मेम साहब का सामान देख रहा था। तू चल, मैं अभी स्टॉल से फिल्म फेयर खरीद कराती हूँ। ओके। Not bad. आप चाय पियेंगे साहब? भैया चाय वाय की जरूरत नहीं, फिलहाल नींद की जरूरत है। जब आपकी जरूरत पड़ेगी आपको बुला लूंगा। ओके सर। थैंक यू। ये क्या आतिश हो गई? अरे जरा देख तो कितनी प्यारी जगह है। हाय, इसकी हवा में भी जादू है। चल उठ, तैयार हो जा, फिर हम घूमने चलते हैं। पानी तो गर्म होगा ही, मैं जाके जल्दी से शॉवर बांध लेती हूँ, बाद में तुम नहा लेना। हाँ, अरे तू अभी तक उठी नहीं? उठती है या मारो जूते। मारा गया, मारा गया। मैं फिर से लड़कियों के कमरे में घुसा। मारा गया। ओ, तो ये बात है मेम साहब की, अभी बताता हूँ। मेम साहब शावर बात ले रही। How sweet! Coming soon in Bori color, Hatantai ki chhati aulaad, starring one and only Prem Nath. Radha, zara apna gown to dena. Arey dena jaldi, kyun bore kar rahi hai? अरे दे ना। अरे ये क्या, इतना बड़ा गाउन किसका है? अपने डैडी का उठा लाई क्या? तुम यहाँ में आ गए? राधा कहाँ है? बदमाश कह के मैं भी मैनेजर को बुलाती हूँ। मैनेजर बचाओ। क्या कहोगी पुलिस को? मैं कहूंगी कि एक लफंगा जबरदस्ती मेरे रूम में घुस आया है और मुझसे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को बुलाने से पहले देख लीजिए मैम साहब कि कौन किसके कमरे में आया है। क्या मतलब? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए देखिए देखिए, ये कमरा 209 206 नहीं, समझिए आप। अब मैं पुलिस को फोन करता हूँ और मैं उनसे कहूंगा कि इस आवारा लड़की ने जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसकर मेरी इज्जत लूटनी चाहे। तुम आप मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं इसे 206 समझ के आई थी। मैंने पढ़ा भी था लेकिन पता नहीं मुझसे ऐसी भूल कैसी होगी। मैं कसम खा के कहती। मैंने भी उस दिन ट्रेन में कसम खाकर कहा था लेकिन आप लोग ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। हा? आज मैं भी अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स को यहाँ बुलाकर जनाब की यह हालत दिखाता हूँ, शायद वो समझ सके कि आप मेरे गाउन में क्या कर रही है। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं, पहले आप अपनी तमाम सहेलियों को यहाँ बुलवाइए जिन्होंने उस दिन मेरी इंसल्ट की थी। क्या वो भी मुझसे माफी मांग लेंगे? फिर मैं आपको जाने दूंगा। मैं अभी उनको बुलाती हूँ, वो सबके सब आपसे माफी मांग लेंगे। ए, मेरा गांव खराब मत करो।
यस क्यों सपना क्या हुआ? अच्छा ठहरो मैं भी सबको लेके आती हूँ। देखिए मैं आपसे विनती करती हूँ, लड़कों में से किसी को मत बताइएगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। पूछेंगे। क्यों क्या हुआ? खैर तो है, ये क्या पहन रखा है तुमने? यू रास्कल, तुम यहाँ भी आन मरे, तुम इस बदमाश के साथ क्या कर रही हो? लोफर को तो जेल में देना चाहिए। शट अप! आप अपनी प्यारी सहेलियों से कहिए कि अपने अल्फाज वापस ले लें और हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगे। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं बताऊं? सुनिए। कहिए। हम सब ने आपको बहुत गलत समझा जी, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। दैट्स मच बेटर। आपके कपड़े। चलो सपना। ए, सुनिए, मेरा गाउन वापस करने से पहले इसे इस्त्री करके दीजिएगा, बल्कि धो के दीजिएगा। यू क्रक। सेम टू यू। यार नहीं तो जालिम मुझे मार डालेगा। हाँ जालिम। उस लड़की का हस्बैंड। कौन सी लड़की? वही जिसके लिए मैं पागल हो गया था। क्या तेल है उसकी गाल पे? हमेशा कहाँ है वो कमीना? मैं उसका खून पी जाऊंगा, वो मेरी बीवी पर बुरी नजर रखता है, उसकी हड्डियां चबा जाऊंगा। उसे बाहर निकालो। आप शांत हो, मैं आपको असली बात समझा। मिस्टर, मैं बात समझने नहीं आया, मैं उसकी जान लेने आया हूँ। वो एक ऐसे इंसान की जान लेने से क्या फायदा जो खुद मरे बराबर हो? क्या मतलब? बात यह है कि यह आदमी पागल है। ये बताइए कि आपकी बीवी के गाल पर तिल नहीं है? है, तो उससे क्या हुआ? यही तो बात है। आज से कुछ 4-5 साल पहले इसे एक लड़की से इश्क था जिसके गाल पर तिल था। वो लड़की किसी और मर्द के साथ फरार हो गई। ये बेचारा गम में सौदाई बन गया है। जब किसी लड़की को देखता है जिसके गाल पर तिल हो तो बेचारे पर पागलपन का दौरा पड़ जाता। अच्छा, तो ये पागल है। आज की ताजा खबरें सुनिए, हमारे बाजार के भाव। दूध का गिलास 1 रुपए फुट, मुरब्बे का अचार 2 रुपए गज, बंबई के आपूस आम 10 रुपए का पूरा थान। अरे अरे ओ, ओ, माता जी सतरी अकाल, चंदा दो पिताजी। चिंटू बेटे, चिंटू बेटे, चिंटू बेटे, आप लोग इस पागल को बांध कर क्यों नहीं रखते? जी ये खतरनाक किस्म का पागल नहीं है, सिर्फ जब किसी औरत के गाल का तिल देखता है तो बेचारे की हालत खराब हो जाती है। वैसे बड़ा शरीफ सुअर है ये बेचारा। मेरी आपसे विनती है चिंटू बेटे, मेरी आपसे विनती है कि जब तक आप इस होटल में ठहर रहे हैं अपनी बीवी के गाल के तिल को जरा संभाल कर छुपा कर रखिएगा। बहुत अच्छा, आप भी जरा इसका ख्याल रखिए। जी हां, मैं इसको। अच्छा हुआ चला। सुंदर तू जरा आगे चल, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? 1 मिनट। ये वो नहीं है जो तू समझ रहा है। क्या ये? ये बार है जहाँ लोग नशा करते हैं। बार? मुझे बार दिखा दे एक बार। चल मेरे यार, कम ऑन। व्हाट ए बार! उधर मत देखना वरना तेरी मुसीबत आ जाएगी। किधर? उस पिस्तौल वाले की तरफ। ये क्या कर रहे हैं आप? इसने तुम्हारा तीर से नजर ना आए। देखा, मैंने आपसे कहा था, आपने बहुत अच्छा किया जो तिल को छिपा दिया। इस टिकट को अब इसी तरह चिपका रहने दीजिए। अबे ओ, give me a sweet smile of 16. लेना। Now halt. Okay. No, my turn. My turn. अच्छा। Take my full portrait. Wait, wait. I want to give a bhangra pose. इधर, इधर, इधर. Okay, okay, okay. Steady. All right. Am I looking handsome? अबे ओ चिंटू, क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? क्यों हो गया? मारा गया। मेरा फेस कैमरे में खराब आता है। अबे नहीं, वो देख, फिर वही लड़की। कौन सी? यहाँ तो बहुत सारी। गधे, वो जो फोटो खिंचवा रही है वो। आई सी, लाल छड़ी है?
लाल छड़ी बच्चों मैं तेरी सब हरकतें देख रहा हूँ अब के तूने उधर देखा तो तुझे मैं खुद पीटूंगा समझे सुना है ये कन्या लखनऊ की है तुझे भेजूंगा मैं कन्याकुमारी ये है तुम्हारी पुरानी बीमारी थैंक यू मुबारक यकीन जानी इस तरह की टेनिस मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी सबका मजा आ गया गेम का रियली कांग्रेचुलेशन अब तुम ये ट्रॉफी जीत के बताओ तब हमारे कॉलेज का नाम होगा आपकी बेस्ट विशेस हमारे साथ हो तो डेविस कप जीत कर दिखाऊंगा बस आपकी बेस्ट विशेस मेरे साथ हो तो मैं चांदपुर उतर आऊं यू शट अप हाय जरा मुस्कुरा कर तो कहा होता कल छुट्टी है इसलिए फाइनल मैच परसों होंगे देवी मेरी बात तो सुनो लिसन टू मी क्या तुम मुझसे नाराज हो प्लीज टेल मी देखिए आपका दिल न दुखे तो एक बात कहूं मैं ये फैसला किए बैठी हूं कि जिंदगी में प्यार करूंगी तो अपने यूपी के किसी लड़के से करूंगी जी जी बात दरअसल ये है कि हमें अपनी तहजीब बहुत प्यारी है अपने रहन सहन अपनी जुबान हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है क्यों आपको हमारी नफासत पसंदी में शक है ये बात नहीं हुजूर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है ये ताबेदार भी खासुल खास लखनऊ का बाशिंदा है जी आदाब बजा लाता हूँ अच्छा मगर लिबास से तो आप बिल्कुल पागल लगते हैं और लबुल हजा भी आपका पंजाबियों का है उसकी वजह ये है बचपन में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और वो खून बहा था कि मैं आपसे क्या अर्ज करूं फिर उसके बाद अस्पताल में जो मुझे खून दिया गया वो अनफॉर्चुनेटली एक पंजाबी का था इसलिए अब मैं रुपए में 60-90 पैसे पंजाबी लगता हूँ सतरियाकाल जी अच्छा लखनऊ में आप किस जगह रहते थे वेल समुंदर के किनारे लखनऊ में समुंदर ओ, क्या भूल गया मैं आई एम इडियट मेरा मतलब है समुंदर होटल के सामने अच्छा कोई नया होटल खुला होगा ऐसा यस जस्ट रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड यू नो प्लीज सिट डाउन आपकी खिदमत में एक छोटा सा फूल थैंक यू आप आदमी बहुत मजेदार है तो आप हमारे यूपी के निकले आफ्टर ऑल जरा दिल बहलाने के लिए कोई शेर सुनाइए शेर शेर चीते का नाम मत लीजिए मैं शायरी का जिक्र कर रही हूँ कलामे गालिब तो आपको याद ही होगा याद क्यों नहीं होगा गालिब भी याद है कलाम भी याद है दोनों मेरे साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और गालिब तो हमारे कॉलेज में क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी था गालिब और क्रिकेट जनाब क्या बात कर रहे हैं आप मैं हजरत गालिब का जिक्र कर रही हूँ जिनसे बड़ा शायर हिंदुस्तान ने पैदा नहीं किया ओहो आई एम ए मैड मैन आपके हजरत गालिब ओहो तारीफ करता हूँ उनकी क्या बात है उनकी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी और का नाम गालिब नहीं सुना I'm surprised. तीन तो मैं आपको गिनवाई देता हूँ पहले आपके हजरत गालिब दूसरा मेरा रेगुलर दोस्त गालिब नहीं नहीं मेरा क्रिकेटर दोस्त गालिब और तीसरा गालिब अब ये ना कहिएगा तीसरा एक टेनिस प्लेयर था ओह दैट रिमाइंड्स मी मुझे वापस जाना चाहिए नहीं तो सुंदर मुझे कच्चा खा जाएगा मैंने कहा सुंदर साहब वल्ला आदाब बजा लाता हूँ और मत कर यार मैं डैडी को चिट्ठी लिख रहा हूँ हुजूर मैंने कहा जरा एक नजर यहाँ भी हो जाए वाह प्यारे चिंटू आज तो तू बिल्कुल नवाब शामपुर की छठी औलाद लग रहा
यानी कि हुजूर की नजर अब लखनऊ पर पड़ी है, लेकिन बरखुदार जरा संभल कर कहीं ऐसा ना हो कि कोई रामपुरी चाकू लिए हुए हुजूर को कुड़च कर दे। बंदा परवर, अब के मुझे किसी रकीबे रूसिया का डर नहीं। क्या कहा, रशिया का डर नहीं? अबे ओ, रशिया नहीं रकीबे रूसिया। वो क्या है? इसका मतलब है काले मुंह वाला दुश्मन। क्योंकि मेरी महबूबा अब तक कुंवारी है और मेरे इश्क में गिरफ्तार है। जी आदाब बजा लाता हूँ। बात तो ठीक कहते हो। और जानते हो, आज सपना अपनी सहेलियों के साथ शिकारे पे घूमने जा रही है और उसने फैसला किया है कि वो शिकारा भी ऐसा चुनेगी जिसका मल्लाह सबसे ज्यादा बूढ़ा हो। इतनी नफरत है उसे जवान मर्दों से। चल राधा, उस बुड्ढे के शिकारे में चलेंगे। दाढ़ी वाला? हाँ। चलो। बड़े मियाँ, हमें एक घंटे की सैर कराने का क्या लोगे? मेरी उम्र वही 70-80 साल की होगी। हाँ। ओहो, मैंने आपकी उम्र नहीं पूछी थी। एकदम ही बहरा लगता है। बच्चे, तेरा है 13। बड़े मियाँ। रुपए जो दिल में आए दे देना। बैठो बैठो। ये दोनों बड़े रंगीन मिजाज मालूम होते हैं। मेरा नाम रंगीन नहीं, सुबुदगीन है। मैं तुम्हारे नाम की नहीं, तुम्हारे रंगीन मिजाजी की बात कर रही हूँ। तुम जैसी हसीना को देखकर किसके मिजाज में रंगीनी नहीं आएगी। बड़े मियाँ, मैं तो सिर्फ आपको रंगीन मिजाज समझ रही थी, लेकिन आप तो आशिक मिजाज निकले। मेरा मिजाज लड़कपन से आशकाना था। मैं अपनी तीसरी महबूबा को क्या उम्दा उम्दा शेर सुनाया करता था। और एक मेरी ये नाखलफ औलाद है जिसको शेर व शायरी से कोई लगाव नहीं। अबे ओ, मेरा मतलब है मेरे प्यारे अब्बा जान, अपनी जबान को लगाम दो, नहीं तो मैं सारा भांडा फोड़ दूंगा। देखो नन्हे मियाँ, आपस में लड़ा नहीं करते, हमें इनसे शेर सुनने दो। सुनाता हूँ लेकिन जवाब देना होगा। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने न चुपके से बाहर आ जाए। वाह वाह, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्यों बड़े मियाँ? नसीम 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 तेरे शबिस्तान से होके आई है मेरी शहर में, महक है तेरे बदन की सी। जब तुझे याद कर लिया सुबह महक महक उठी, जब तेरा गम जगा लिया रात मचल मचल गई। न जाने किस लिए उम्मीदवार बैठा हूँ, न जाने किस लिए उम्मीदवार बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। अप्पा जान, सितम हो गया, आपके बुढ़ापे में से जवानी झाग रही है। सुनाइए सुनाइए। जरा आपकी किताब देना। यानी कि आप पढ़कर सुनाएंगी? सुनाइए, लीजिए सुनाइए सुनाइए। या ना बाबा भाई बस। वेरी गुड। और दाढ़ी लाके आप पुत्रा, वांटेड टू शो ऑफ। अच्छा बगरा दिया। अरे अरे, ओ क्यों, क्या पानी बहुत ठंडा है, मुझे तैरना नहीं आता। सुंदर, अब अगला मैच बंबई के मिस्टर सुंदर श्रीवास्तव और देवेंद्र प्रताप में होगा। मिस्टर सुंदर श्रीवास्तव ग्राउंड में आइए। सपना, ये सुंदर कहाँ गया?
मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इसके डर से भाग गया होगा। मुझे नहीं लगता वो डर के चला जाएगा। हाँ ये जरूर हो सकता कि इस वक्त वो किसी खूबसूरत लड़की से बातें कर रहा हो। चंदा एक खटमल बड़ा तंग कर रहा है, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। इतना जरूर। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आप अपना काम कीजिए। वही तो करने जा रहा हूँ विद योर गुड विशेस। मेरा ही नाम है सुंदर श्रीवास्तव। खुशी होगी कि बंबई के मिस्टर सुंदर श्रीवास्तव को चैंपियनशिप कप दिया जाता है। मेरे जीतने से आपको दुख तो जरूर हुआ होगा। चलिए छोटे मुंह मुबारकबाद दे दीजिए। चंदा ये खटमल फिर तंग करने लगा है। ओहो मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस सुंदर से। आज पहला दिन है जो उसके उजार सूरत नजर नहीं आई। कमबख्त शैतान की तरह मेरा पीछा कर रहा है। शैतान कभी पीछा नहीं छोड़ता, पर आदमी बुरा नहीं। सपना ये बोतलें कैसे बहती जा रही है? लो एक और आ गई। नहीं तुम्हारे लिए, मेरे लिए। सपना आई लव यू। क्या लिखा था? तेरा सर। सुंदर बुरी तरह से मर रहा है तुम्हारे ऊपर। चुप नहीं तो मछलियां भाग जाएंगी। अरे मेरे इधर मछली फंसी है, कोई आ। अरे बड़ी मछली लगती है, जल्दी। नमस्ते जी, पानी में बह रहा था, आपके कांटे में फंसा चला आया हूँ। अब इस मछली को चाय आप फ्राई कीजिए, चाय रोस्ट, लेकिन मुझे जरा सी कॉफी दे दीजिए क्योंकि बहुत सर्दी लग रही है, मारे सर्दी के जान जा रही है। मैं कंबल ओढ़ता हूँ, आप एक प्याला कॉफी दे दीजिए मुझे। कॉफी के बजाय तुम्हें जहर नहीं दे दो थोड़ा सा? मैं पूछता हूँ आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं एक शरीफ और ऊंचे घराने का लड़का हूँ, अच्छा स्टूडेंट हूँ, टेनिस का चैंपियन हूँ। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जान तक दे सकता हूँ। सच? आजमा कर देख लीजिए। तो डूब मरो इस पानी में। मैं तो डूब मरूंगा, लेकिन सोच लीजिए आप मेरे गम में बहुत रोएंगी। देखेंगे। फिर सोच लीजिए, आखिरी बार कह रहा हूँ। हाँ हाँ सोच लिया। अच्छा गुड बाय। आप लोग सब गवाह रहिए, मेरा खून इनके सर होगा। बाय बाय एवरीबॉडी। सपना आई लव यू। आदमी बड़ा रोमांटिक है, देखते हैं वो इस ठंडे पानी में कितनी देर रह सकता है। एक मिनट में निकल आएगा। एक मिनट तो हो गया।
वो अभी तक बाहर नहीं निकला। तुमने उस गरीब की जान ले ली। सुंदर का खून तुम्हारी गर्दन पे है। मैं पूछती हूँ तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हारा दिमाग इस कदर खराब हो गया है कि तुम लोगों की जानों से खेलने लगी हो? प्यार करना गुनाह है क्या? लेकिन मैं ये कब चाहती थी कि वो डूब जाए? मुझे क्या पता था कि वो सचमुच डूब मरेगा? करो एक हॉर्लिक्स लाओ एंड वन स्मॉल वेजिटेबल समोसा। माफ कीजिए, मैं जरा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं मैनेजर साहब, तशरीफ रखिए, कहिए। बात यह है कि हम श्रीनगर में गरीब स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल खोल रहे हैं। बड़ा नेक ख्याल है। और चंदा इकट्ठा करने के लिए हम अपने यहाँ एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट थी, अगर इसमें आप लोगों की भी कोई आइटम हो जाती तो हमारा ड्रॉ बढ़ जाता। हम खुद स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की भलाई के लिए आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तुम सपना के साथ डांस प्रोग्राम क्यों नहीं करते? शी इज अ वंडरफुल डांसर। वेरी गुड आइडिया। लेकिन तुम तो जानते हो मेरी सूरत तक से बेजार है। मेरा ख्याल है कि ऐसे नेक काम में वो राजी हो जाएंगी। मुझे बताइए, मैं खुद उनसे मिलकर बात करूंगा। आइए मेरे साथ, हम दोनों मिलकर उसे मनाते हैं। चलिए। बेटा अब तुम एक टिकट में दो मजे लो, नेक काम करके पुण्य भी कमाओ और लगे हाथों सपना से इश्क भी झाड़ो। आइए आइए सुंदर साहब, आइए आइए। मैंने आपसे कहा नहीं था कि ऐसे नेक काम के लिए इनकार नहीं करेंगी? डांस म्यूजिक के कुछ? हाँ। इस प्रोग्राम के लिए हमने अच्छे अच्छे डांस पीसेस टेप करके रखे हैं। मैं अभी टेप रिकॉर्डर भेज देता हूँ, आप रिहर्सल शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। डांस के लिए आप राजी हो गई? कहिए रिहर्सल कब करेंगी? मैंने प्रोग्राम के लिए हाँ की है, आपके साथ रिहर्सल करने के लिए नहीं। आप अपनी रिहर्सल अलग कीजिए, मैं खाली शो में ही आपके साथ डांस करूंगी। आप रिहर्सल करने कब आ रही हैं? मैं 36 मरतबा कह चुकी हूँ कि आपके दोस्त सुंदर के साथ मैं रिहर्सल नहीं करूंगी। ओह, क्या कह रही हैं आप? हमारा शो खराब हो जाएगा, लोग हमें जूते मारेंगे। मैं क्या करूँ, मेरा जो पार्ट है वो टेप रिकॉर्डर पर है, वो खुद सुनकर अपनी रिहर्सल कर ले। सपना, मेरा तो ख्याल है तुम सुंदर के साथ एक फाइनल रिहर्सल कर ही लो, वो तुम्हें खा तो नहीं जाएगा। शट अप। शट अप। आपने मेरी सहेली को शट अप क्यों कहा? यू शट अप। तुमने मेरे चिंटू को शट अप क्यों कहा? यू शट अप। यू शट अप। ओह ब्यूटीफुल, लवली, एक्सलेंट, गिव हिम। अरे 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 बचपना है लड़कियों, लग जाती है आपस में। किड्स आर किड्स आफ्टर ऑल, किड्स आर किड्स आफ्टर ऑल। अरे 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 मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम मेरे दोस्त सुंदर के साथ रिहर्सल करोगी या नहीं। नहीं, मैं आपके दोस्त के साथ फाइनल रिहर्सल कभी नहीं करूंगी। आप मेरा टेप रिकॉर्डर भेज दीजिए क्या, मुझे रिहर्सल करनी है। तो आप रिहर्सल नहीं करेंगे, शो फ्लॉप हो जाएगा, हमें जूते पड़ेंगे। शट अप। अरे यू कॉल मी शट अप, गेट आउट फ्रॉम हियर। हु आई विल रिपोर्ट, आई विल रिपोर्ट। सुंदर, व्हाट इज दिस रिकॉर्डिंग रिटन? सुंदर अबे ओ सुंदर, मुझे तो ये शो होता नहीं लगता, वो तो हमारे साथ रिहर्सल तक करने को तैयार नहीं, न जाने क्या समझती अपने आप को। वो अपने आप को जो कुछ भी समझे कम है। मैं पूछता हूँ, इस भरी दुनिया में ऐसी दूसरी लड़की देखी है तुमने? चिंटू, आई लव हर। अबे और रोमियो की औलाद बर्बाद हो जाएगा उसके प्यार में। जो कुछ भी हो, आई लव हर। ओहो, लेकिन वो तुझे लिफ्ट देने वाली नहीं। खुदा के वास्ते शो के बारे में सोच, शो के बारे में, कहीं ऐसा ना हो वहां भी जूते पड़े। तू शो की फिक्र ना कर चिंटू, मैंने स्टेप पर अपने पार्ट की रिहर्सल कर ली है। आई लव हर। मैडम टेप रिकॉर्डर भी मांग रही है। क्या टेप रिकॉर्डर मांग रही है? चिंटू, मैं आधे घंटे में टेप वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस। एंड यू नो आई बस अब कहेगा आई लव हर। I love her. कल सुबह शो के लिए जल्दी उठना है। कम इन।
मेन साहब ये 209 नंबर वाले साहब ने भेजे। अच्छा रख तो वो टेबल पे। राधा तू चल के खाना खा ले। क्यों तुम भी खाओगे? नहीं मैं आज स्किप करूंगी, चाय के साथ मैंने बहुत कुछ खा लिया था और टेप रिकॉर्डर भी आया है, मैं जरा रिहर्सल ही कर लूं। अच्छा तो फिर मैं उठती हूँ। बाय। हेलो सपना, चाहूं कहीं ना कि ये कमबख्त सुंदर की आवाज कहां से आई? हाँ मेरी आवाज इसी टेप रिकॉर्डर से आ रही है। प्लीज जरा सी देर के लिए बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सपना मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, जानती हो इतनी सर्दी में भी तुम्हारी माथे पर ये पसीने की बूंदे कहां से आई? ये मेरे प्यार की आंच है जो मोतियों की शक्ल में टूट कर तुम्हारी पेशानी पर बिखर गई है। ये कैसे तम किया, पेशानी पोंछ डाली, हुसन पर और भी निखार आ गया। पानी का ग्लास उठाने बढ़ रही हो, इससे वो आग ठंडी नहीं होगी जो मेरे प्यार ने तुम्हारे दिल में लगाई है। कुछ हो गया ना, ग्लास रख दो और कुर्सी पर आराम से बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे प्यार तो मुझे तुमसे उसी रात हो गया था जब मैं गलती से तुम्हारे कंपार्टमेंट में घुस आया था। अब सोचता हूँ तो लगता है कितनी हसीन भूल की थी मैंने। आंचल को उंगली पर कब तक लपेटे जाओगी? दैट्स बेटर। कश्मीर पहुंचकर मैंने बार बार कोशिश की कि तुम्हारे करीब आ सकूं, तुम्हारी मुस्कुराहट जीत सकूं, लेकिन हर दफे मुझसे कुछ ऐसी हरकत होती रही जिसने तुम्हें मुझसे उल्टा खफा कर दिया। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? छी छी, ये क्या दांतों से नाखून काटती हो, बहुत बुरी आदत है और मुझे सख्त नापसंद है। इस तरह घूर के क्यों देख रही हो, क्या मुझे तुम पर इतना भी हक नहीं? बस भगवान करे तुम सदा इसी तरह मुस्कुराती रहो। अगर मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए कोई जगह पैदा कर ली है तो वो सामने टेलीफोन रखा है, सिर्फ हेलो कह दो, सिर्फ हेलो। मैं अपने टेलीफोन के पास कान लगाए बैठा हूँ और तुम्हारी सुरीली आवाज सुनने के लिए बेचैन हूँ। सपना आई लव यू। अपने बेखाब की वालों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। बत्ती बुझाओ और मुझे सोने दो, खुद भी सो जाओ। गुड नाइट। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तस्वुर में लुटा दी हमने। और सताओ उसे, सुंदर ने कहना भेजा कि वो शो में तुम्हारे साथ डांस नहीं करेगा। अच्छा तो ये बात है राधा, ये शो होगा और उसके बगैर होगा, मैं डांस का प्रोग्राम ही चेंज कर दूंगी। कह दो उसे कि वो चूड़ियां पहन के घर में बैठे, मुझे उसकी जरूरत नहीं, समझी? सपना डाली, आज के शो की कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर है। आशिक हो गई हूँ तुम्हारे डांस पर। वाकई तुम्हें इतना अच्छा लगा? छा गई तुम, क्या बात है। लेकिन अगर सुंदर साथ देता तो नया शो करने में और ही मजा आता। मगर इसमें सुंदर का कोई दोष नहीं, अगर तुम उसके साथ रिहर्सल करती तो वो कभी शो करने से इनकार ना करता। थैंक यू राधा। भाई इस कमरे में कुछ घुटन सी हो रही है, ये कमरा तीन लोगों के लिए तो छोटा पड़ता है, इसलिए मैं कह सकती हूँ। अरे तू कहाँ चली राधा, मैं भी आती हूँ। जाने से पहले ये बताइए आपने रात को टेलीफोन क्यों नहीं किया? आपने कब कहा था मुझे फोन करने के लिए? यानी कि आपने रात को टेप रिकॉर्डर पर रिहर्सल नहीं की?
ओ कल? हाँ कल। ओ कल मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने रिहर्सल नहीं की, टेप रिकॉर्डर यूं ही पड़ा रहा। रिहर्सल तो आपको करनी चाहिए थी। क्यों, मैंने डांस ठीक नहीं किया क्या? नहीं ऐसी बात नहीं। तो फिर क्या बात है? मेरा मतलब है कि आपको टेप जरूर सुनना चाहिए था। क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ खास बात। तो लीजिए मैं आप सुन लेती हूँ। नहीं नहीं मेरे सामने मत सुनिए। नो नो हेलो सुंदर, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा नाम बड़ा चुन के रखा है क्योंकि सचमुच तुम बड़े सुंदर हो। लगता है फुर्सत में बैठ के खड़ा है बनाने वाले ने तुम्हें। शुक्रिया। प्यार तो तुमसे पहली नजर में हो गया था। ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने इतने दिन से ये बात इसलिए छुपाए रखी क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतें पसंद नहीं थी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूँ। और मेरे चुप रहने की दूसरी वजह ये थी कि ये मेरा पहला पहला प्यार है। मेरा भी ये पहला पहला प्यार है। क्या तुम्हारा भी ये पहला पहला प्यार है? कसम खाता हूँ, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ मेरे दिल में एक तेज सी उठने लगती है। क्या इसी को प्यार कहते हैं? हाँ 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 इसी को प्यार कहते हैं। सुंदर, मैं बड़े गरीब घराने की लड़की हूँ और किसी भी तरह तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। मेरे तो ये कपड़े भी अपने नहीं हैं जिनमें तुम मुझे देखते हो। ये मेरे सहेलियों के दिए हुए हैं जो मेरे साथ आई है। और तुम इतने दौलतमंद घराने के हो तभी तो तुमसे कहती हूँ। मेरा तुमसे मेल काली में टाट का पैवन लगाने के बराबर होगा। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। ये सच्चाई है जिसे मैं चाहती हूँ तुम मेरे बारे में जान लो। मेरी नजरों में इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच लो। सोच लिया। तो मैं तुम्हारी राह में अपनी आंखें बिछाए एको पॉइंट पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो मैम साहब पहुंच चुकी हैं। ठीक है, जरा इंतजार करने दो, बहुत सताया है हमें। जब सुंदर आएगा तो मैं उसे कहूंगी क्या? मैं तो शर्म से मर जाऊंगी, मैंने टेप में क्या क्या कुछ कह दिया है। अच्छा तो तुम मुझे जलाने के लिए वहां छुपे बैठे थे और मैं यहाँ इंतजार में सूख रही थी बदमाश कहीं के। तुमने भी तो मुझे रात भर टेलीफोन के पास बैठा रखा, तो इसका बदला इस तरह लोगे क्या? खैर मैं भी तुम्हारी खाल उधेड़ती हूँ। सपना, बात यह कि जब मैंने तुम्हें वहां बैठे देखा तो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। ऐसा लगता था सारे जहां का हुस्न सिमट के तुमने रच गया। अच्छा ये तो बताओ, तुम एक जीती जागती सुंदरता की मूर्ति हो या मैं कोई सपना देख रहा हूं? देखो सुंदर, मेरे ये हाथ इतने खूबसूरत नहीं है जिन्हें शायर संदली कहते हैं, लेकिन तुम देखोगे ये दिन रात तुम्हारी सेवा में लगे रहेंगे। मेरी आंखों में तुम्हें नीली चीले तो नजर नहीं आएंगे लेकिन इनमें सदा तुम्हारा रूप बसा रहेगा। मेरे ये होंठ गुलाब की पंखड़ियां ना सही लेकिन ये हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का इकरार करते रहेंगे। देखो सुंदर,
मैं बड़ी सीधी साधी और गरीब लड़की हूँ, क्या तुम सारी उम्र मुझसे यूं ही प्यार करते रहोगे? इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी इसी तरह प्यार करता रहूंगा। ऐसा ना कहो सुंदर, नहीं तो मैं सच मान जाऊंगी और खुशी के मारे रो दूंगी। मैं सच कह रहा हूं सपना, फिर भी अगर तुम्हारी आंखों के मोती खुशी से छलकना चाहे तो इन्हें बह जाने दो। लेकिन हम इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहे हैं? जोर से बोलेंगे तो कोई और सुन लेगा, और मैं डरता हूं तुम्हें किसी और की नजर ना लग जाए। लेकिन यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा और है ही कौन? क्यों, ये पहाड़, ये बर्फ, ये हवा, ये फजा, ये दरख्त, सभी तो सुन रहे हैं। लेकिन वो तो बेजान है, वो हमारी जबान क्या जाने? ना सपना, ये सुनते भी हैं और सुना भी दिया करते हैं। वो कैसे? आओ दिखाओ। अब तुम कहो, कहो। तुम्हारी बारी है, कहो, नहीं तो ये सब तुमसे रूठ जाएंगे। आए, कहो ना। देखो ये सब तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन है, ये पवित्र वादी हमारी जवान मोहब्बत की गवाह रहेगी, आज इसमें अपने पहले प्यार का इकरार गूंजने दो। और चिंटू क्या हुआ बाबा? अब हम वापस मुंबई जा रहे हैं। तो इसमें रोने की कौन सी बात? यही तो मैं इनसे कह रही हूँ कि तुम रो नहीं, मैं बंबई जाके रोज तुमसे मिला करूंगी। अब मैं इसे क्या समझाऊं, तुम तो जानते हो घर में पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओ सुंदर मुंदर, बोलते क्यों नहीं, एसएमडीसी के प्राइस का क्या होगा? क्या बात है राधा? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है, बताओ ना चिंटू। ये मेरा और सुंदर का आपस का मामला है। ओ सुंदर मुंदर, तेरा बेड़ा गर्क। आप विश्वास रखिए कॉन्ट्रैक्ट हमी को मिलेगा, कल नहीं तो परसों तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। विश्वास क्या मैं खाक रखूं? अगर आज डैडी का टेलीफोन आ गया तो मैं उनको क्या जवाब दूं? जवाब तो चलो हमको देना पड़ेगा। अरे भाई सुनो सुनो, क्या है? देखो बाबा, मैनेजर साहब आप जरा फाइल को ले आइए। चार दिन से चला तुम कोलकाता में आया और भट्टा भाव से तुम्हारा भेद तक। अरे भाई क्या करूं क्या बोलूं, एक कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ऐसा पड़ा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ गया समझ गया। यस, वही हुआ जिसका डर था, डैडी का टेलीफोन आया बॉम्बई से। ए बॉम्बई से डैडी का नहीं तो क्या आशा पारिक का टेलीफोन आएगा? वही लेके कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट डैडी कल परसों तक जरूर मिल जाएगा। कल परसों, कल परसों, तुम ऐसे निकम्मे आदमी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? तुम्हें अंदाजा मेरा कितने लाख का नुकसान हो जाएगा अगर ये कोयला बप्पा नहीं होता तो। मगर डैडी देर हमारी तरफ से नहीं हो रही, असनसोल वालों की तरफ से हो रही है। शट अप, 300 रुपए का क्लब तुमसे ये काम ज्यादा अच्छी तरह कर सकता था। मैंने फूल के तुम्हें क्यों कितने भेज? इडियट,
रेडी? हेलो, ब्लास्ट दिस मैन, आई हेट हिम। इनको लड़का नहीं, गुलाम चाहिए। फाइल हाजिर है। झाड़ में फेंकिए फाइल को, मुझे सौफे से कुछ लेना देना नहीं है। बात बात में डांटते हैं, बात बात में रो बिठाना है, मैं तो तंग आ गया अपनी जिंदगी से। शांति महेंद्र बाबू, हर बाप अपना माँ, ये मजाक का वक्त नहीं, क्या मजाक हो रहा है क्या? मजाक नहीं करता रे, पागल हो गया है। चलो हमारे साथ में, ऐसी जगह पे तुमको लेके चलेगा कि डैडी को तो क्या अपने आप को भी तुम भूल जाएगा। चल चलो ना, चलो डाले, चलो बोलो माजी। हाय बंसी काका। अरे अरे सुंदर बाबू आ गए, कैसे हो? ठीक ठाक हो? फर्स्ट क्लास। बड़े चमक रहे काका। डैडी और मम्मी कहाँ है? अंदर नाश्ता कर रहे हैं, अभी अभी तुम्हारा जिक्र कर रहे, तो जाओ 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 जाओ। बहुत खिलाती हूँ, आ गई, देख क्या हालत हो रही है। ऑलराइट ऑलराइट। अरे माय सन माय सन माय सन। अरे तुमने इतना ही नहीं दिया नहीं? मैं कार भेज दी। डैडी देखिए, मैंने चैंपियनशिप जीत ली। वंडरफुल वंडरफुल। इसीलिए मैं कहता नहीं था कि मेरा बेटा चैंपियन बन के आएगा। वंडरफुल। भैया कलकत्ता से वापस आ गए हैं क्या? तुम्हारे डैडी कहते हैं 15 दिन और लगेंगे। देखो तुम बैठो, खूब खिलाओ इसे। चैंपियन बेटा है मेरा, चैंपियन बेटा मेरा। मैं शाम को लौटूंगा, बाय बाय, मेरी बिजी। सॉरी सॉरी सन। कट। तो कश्मीर जाकर भी कुछ मोटा नहीं हुआ? क्यों बना रही हो माँ? जब यहाँ से गया था तो 170 पाउंड का था, अब 180 पाउंड का हो गया। अच्छा, टच वुड। ये लकड़ी का खोखा है, टच वुड। नजर उतारनी है, कुर्सी को हाथ लगाओ, मेज को हाथ लगाओ। अच्छा ये सुनाओ, तुम्हारा कश्मीर का ट्रिप कैसा रहा? क्या पूछती हो माँ, जिंदगी का मजा आ गया, इश्क हो गया तुम्हारे बेटे को। कश्मीर से? माँ कबाड़ा कर दिया सारी बात का। लड़की का जिक्र कर रहा हूँ माँ, लड़की का। अच्छा ये बता कि वो किस घराने में से है? क्या उसके पिता भी किसी अच्छी बड़ी बिजनेस में है? नहीं माँ, वो हमारी तरह किसी रईस खानदान की लड़की नहीं, यतीम है, गरीब है। तेरा सर तो नहीं फिर क्या? तू अपने खानदान की नाक कटवाना चाहता है? और फिर डैडी का मिजाज तो जानता है ना, उन्हें पता चला तो आफत आ जाएगी। मैं सब जानता हूँ माँ, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए दीन दुनिया छोड़ सकता हूँ। लेकिन मुझे डर है बेटा, अगर ये रिश्ता ना हो सका तो तेरा दिल टूट जाएगा। माँ। अच्छा तू जाकर कपड़े वपड़े बदल, मुझे सोचने थे कि तेरे डैडी को ये बात किस ढंग से बतानी है। ओह माया, योर स्वीटहार्ट माँ। हाँ, और उसी शिकारे में बैठकर हम लोग हर रोज डल लेक की सैर किया करते थे। और बेटी, जिस लड़के से तुम टेनिस के फाइनल में जीती, उसका खेल भला कैसा था? पिताजी उसका तो गेम मुझसे भी अच्छा था, लेकिन मेरी कई सर्विसेज वो उठा नहीं सकी। ओ, और वो तुम्हारी सहेली जमाल का क्या हुआ? वो तो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी। और तुम्हारे कॉलेज के लड़कों का क्या बना? तीनों लड़कों में से सिर्फ देवेंद्र ही सेमीफाइनल तक पहुंचा, जहां उसे सेंट जेवियर के सुंदर ने बड़ी बुरी तरह हराया। बड़ा आकर का था, सुंदर ने उसके छक्के छुड़ा दिए। अब उठ के कुछ काम काज भी करेगी या सारा दिन खेल कूद की बातें करती रहेगी? अरे अभी तो आई है बेचारी, आज तो इसे आराम करने दो। और कश्मीर में तुम्हारी लाडली आराम नहीं कर रही थी तो क्या चक्की फिर रही थी? यहाँ गर्मी में मेरे बच्चे झुलस रहे थे और ये स्वार्थी पहाड़ों की सैर कर रही थी। चलो बच्चों उठो, नाश्ता कर लो, स्कूल का टाइम हो रहा है। तू जा लाके कपड़े वपड़े दो और तुम भी चलो जी। मेरा अकेले का दोष नहीं था, वो सुंदर मुंदर। वो सुंदर मुंदर कहाँ है? मुझे उनकी भी खातिर तवज्जो करनी है। अरे भाई उन्होंने ही तो मुझे इनाम वाली खुशखबरी पहले सुनाई थी। सुंदर मुंदर भी गया काम से। लेकिन भौजी मैंने उसको यहाँ नहीं भेजा था, वो बेवकूफ खुद ही यहाँ चला आया। क्या उस पटांग बातें कर रहे हो? जानते हो एसएमडीसी वालों ने जो 50,000 रुपए भेजे उसके मैंने डिफेंस वॉन्ड खरीद लिए। डैडी जरा दोबारा बोलना, आपको क्या मिला? अरे पहला इनाम 50,000 रुपए का। यानी आपको सचमुच मिल गया? अरे हाँ भाई, तुम्हारे कश्मीर जाने से दूसरे दिन ही तो इनामीदार मिल गया था। मेरा सपना सच्चा निकला? बिल्कुल 16 वाने। डैडी बिलीव इट और नॉट, रात को मुझे ये सपना आया कि आप मेरी लखनऊ की एक लड़की से शादी कर रहे हैं। ये बात है, तब तो तुम्हारा ये सपना भी सच्चा होना चाहिए। उस लड़की का पता बताओ, कल ही मैं उसे देखने जाऊंगा। थैंक यू डैडी।
देखो सुंदर, हम लोग जल्दी से शादी कर ले। धुत, तुम लड़कियों को ऐसी बातें करती हो? जानती हूँ लड़कियों की मुझसे ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, पर क्या करूँ सुंदर, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, इसीलिए डरती हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई छीन न ले। अरे पगली कहेगी, डरना तो मुझे चाहिए। जरा सोचो, तुम जैसी हसीन लड़की दुनिया में है ही कहाँ जो फिर से मेरी जिंदगी में आ जाए। मम्मी से तो मैंने बात कर ली, सिर्फ डैडी से बात करने की हिम्मत पैदा कर रहा हूँ। यू आर अ वेरी डिस्टर्बिंग एलिमेंट चिंटू। बेटा तुम हिम्मत ही करते रहो, और हम लोग परसों शादी भी कर रहे हैं। हाँ मालूम है मुझे। कब चिंटू? यस कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। मुबारक हो राधा, आओ बैठो। थैंक्स अपना, लेकिन हम बैठेंगे नहीं, हमें बहुत सारे कार्ड्स बांटने हैं। भाई मैंने तो 2000 मेहमान बुलाए हैं, और पक्की बात है 1000 तो आएंगे ही, और इनमें से अगर 500 लोग भी हमारे लिए प्रेजेंट ले आए तो 5 साल तक हमें घर के लिए कोई चीज खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या समझे? मीन ऑफ यू, कहीं कोई ऐसे भी सोचता है? भाई मैं तो बहुत दूर की सोचता हूँ। डोंट बोर मी नाउ। व्हाट डू मीन बोर? कैन आई? चलो सुना सुना, कैन आई? चलो सपना, तुम भी हमारे साथ चलो, कार्ड्स बांटने में हमारी मदद नहीं करोगी? करेंगे, बिल तो आने दो। एंड यू गोइंग टू पे द बिल? यू फिनिश द होल कॉफी? दैट व्हाट यू थिंक? सुना तुमने, चिंटू के दोस्त बड़ा अच्छा आइटम दे रहे हैं। यू पीछे थे और ए तुम्हारे डैडी नजर आए। कहां है? वो यहीं है कहीं आसपास। वो है? हां देयर ही इज। शैल यू सी यू? Hello, hello, how nice you've come. Congratulations, Nana. Father's not there? No, he'll be coming. Okay, please sit down. All the best. Thank you very much. Ladies and gentlemen, on your seats, please, on your seats, on your seats. ये कहने की जरूरत नहीं कि आज हम लोग इस रेस्टोरेंट में किसी जमा हुए हैं। हमारा हम स्टूडेंट आप सबका अजीज चिंटू, चिंटू बाबा, आज आखिरकार उसका नेशनल इंटीग्रेशन का सपना पूरा हो गया। हम आप सबके ममनून हैं कि आप इस शुभ मुहूर्त पर आए हैं, और इस शुभ मौके पर हम उसके स्टूडेंट एक आइटम पेश करना चाहते हैं। जेंटलमैन गिव्स अ हैंड। ये है वो मॉडल। लेकिन श्रीवास्तव साहब, एक बात इसमें हमें नहीं मिलेगी। फरमाइए भाई। आपने इसके अंदर देखिए 13 दरवाजे बनाए हैं, और 13 का नंबर हमें पसंद। ओ, आप भी नंबरों का मैम फरमाते हैं, कमाल है। हेलो सुंदर सुंदर मशन मशन मशन। सचदेवी मेरा छोटा बेटा सुंदर सुंदर सचदेवी। तुम लेडी सेना और इनसे मिलिए मिस सेना, तुम्हारी होने वाली भाभी। एक्सक्यूज मी, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। डू 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 यस, बहुत अच्छी है उसकी। अच्छा ले बेटा, इस खुशी में तू भी मुंह मीठा कर ले, खाना। रिश्ता मंजूर करने से पहले भैया से तो पूछ लिया होता। अरे शील शील, सुनो सुनो सुनो, सर जी भी तुम्हारी तरह 13 नंबर को बड़ा मानते हैं। बाबूजी तनिक सुनिए। क्या मैं हाजिर हुआ? कोई बात करियो, लीजिए मुंह तो मीठा कर लीजिए। जरूर, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। करियो, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हुआ थोड़ी देर में। क्षमा लो ना बेटा, मुझे बताया गया कि तुम हमारे ऑफिस में काम करती हो, कहो क्या कहना चाहती हो। वैसे मैं अपने मुलाजिमों को अपने घर में आना पसंद नहीं करता। सर बात बहुत ही जरूरी है, तभी मैं आपके पास आई हूँ। जल्दी कहो जो कुछ कहना है, मेरे पास छोटी छोटी बातों के लिए वक्त नहीं। घर में बड़े बड़े मेहमान बैठे। हरी अप। ओ गॉड, बंसी कह भी चुको। मुझे केवल इतना बता दीजिए कि महेंद्र बाबू कलकत्ते से कब लौट रहे हैं। तुम्हें महेंद्र बाबू से क्या लेना है? सब कुछ, मेरे सब कुछ वही तो है। क्या भक्ति हो तुम अपने होश में हो? मैंने कलकत्ते उन्हें बहुत से खत लिखे, परंतु उनमें से मुझे किसी का जवाब नहीं मिला। पहेलियों में बात मत करो, साफ साफ बताओ तुम्हारा उससे क्या संबंध है। जी मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, बहतान है। जी मैंने आपको सच्ची बात बताई। शट अप। मेरा खून ऐसा नहीं कि मेरा बेटा एक दो करोड़ की टाइपिस्ट के साथ मुकाला करता फिरे। मैं गरीब जरूर हूँ, पर शराफत का सारा ठेका कुछ अमीरों ने नहीं ले रखा।
गुनाहों की महफिल में जलने वाला चिराग मंदिर का दीप नहीं बन सकता। आपकी नजर में प्यार कोई चीज नहीं। महेंद्र बाबू मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो हमारी शादी के लिए आपको रजामंद कर लेंगे। मैं ये चालबाजी खूब समझता हूँ। तुम लोग इस तरह की फ्रेब देकर अमीरों से रुपया खींचना चाहते हो। विश्वास कीजिए, मैं आपके पास कोई ऐसी नियत से नहीं आई। हर ब्लैकमेलर यही कहा करता है। बोलो तुम्हें कितना रुपया चाहिए दफान होने के लिए? 10,000? आप किसी शरीफ लड़की की इज्जत को रुपयों में नहीं तोल सकते। तुम किस मुंह से इज्जत की बात करती हो? शरीफ लड़कियां शादी से पहले तुम्हारी तरह अपनी आबरू नहीं लुटाती फिरती। हमारी शादी के भगवान साक्षी हैं। मेरे मासूम बेटे को बदनाम मत करो। अगर तुम उस आदमी के गले नहीं पड़ सकती जिसे तुम्हें इस मुसीबत में डाला है, तो मैं तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। ठहरो, ये लो 20,000 रुपए, और आज के बाद अपनी मनहूस सूरत मुझे कभी मत दिखाना। पैसे का गुरूर इंसान को कितना अंधा बना देता है। सुंदर बाबू, तुम सीमा नाम की एक लड़की को जानते हो जो बड़े बाबूजी के दफ्तर में काम करती है? हाँ जानता हूँ, भैया के साथ शादी होने वाली थी उसको। तब तो गजब हो गया, बड़े बाबूजी ने उसको जलील करके घर से निकाल दिया। मुझे डर है कहीं वो कुछ कर ना बैठे। क्या वो कह रही थी? वो माँ बनने वाली है, तुम जल्दी से जाकर उसको बचा लो। सीमा, मुझे बंसी काका ने सब कुछ बता दिया। तुम आधे घंटे मुझे स्टेशन मिलो, मैं तुम्हें भैया के पास कलकत्ते ले जाऊंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरे खतों के जवाब क्यों नहीं दिए? ये सब बातें हम भैया के साथ जाके कलकत्ते करेंगे, मगर वक्त बहुत कम है। 7:30 बजे गाड़ी पकड़नी है, तुम जल्दी करो सीमा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच थर्मा फॉर कमिंग। अरे चिंटू, तुम थर्ड क्लास से क्यों जा रहे हो? क्या करता, मेरे पूज्य पिताजी ने हनीमून के लिए इतने थोड़े पैसे दिए कि मुश्किल से हमने थर्ड क्लास का टिकट लिया, नहीं तो मैं तो विदाउट टिकट जाने वाला था। अच्छा राधा, तुम लोग कहाँ कहाँ जाओगे? इनसे पूछिए। भाई हमारा तो ऑल इंडिया टूर करने का प्रोग्राम है। हम यहाँ से जा रहे हैं नागपुर, जबलपुर, शोलापुर, कोल्हापुर, जयपुर, कानपुर, क्या जी, और गुरदासपुर। लेकिन सुंदर क्यों नहीं आया अभी तक? मैं खुद हैरान हूँ। उसने कहा था कि वो सीधा स्टेशन पहुँचेगा, और वो तो कभी लेट नहीं होता। वो रहा सुंदर। सुंदर के साथ वो लड़की कौन थी? सपना, तुम जानती हो उस लड़की को? हेलो जी, सुंदर बाबू तो नहीं है, वो कलकत्ते गए हैं जी। ये तो कह नहीं सकता कि वो कब लौटेंगे। उनका एक दोस्त अचानक बीमार पड़ गया था, उसको वो कलकत्ते छोड़ने गए। तो अब तक लौटेगा सुंदर? 800 तो लग ही जाएंगे। कह रहा था कि मेरा एक दोस्त अचानक बीमार पड़ गया है, उसे कलकत्ते लेकर जा रहा है। अच्छा तो ठीक है, वहां महेंद्र भी तो है, तो एक साथ आएंगे। हाँ देखो, जबकि मैंने सुंदर के बारे में क्या सोचा, क्या जो ही वो जर्मनी से डिग्री लेकर लौटेगा तो जस्टिस सक्सेना की लड़की के लिए उसकी बातचीत छेड़ दूंगा। अब आपने फिक्र छेड़ा है तो मैं बताती हूँ, सुंदर को एक लड़की पसंद है। अच्छा, कौन है वो? उस दिन चिंटू की शादी में सुंदर ने जिस लड़की के साथ डांस किया था ना, वही है वो लड़की। ओह ठीक है, बड़ी प्यारी प्यारी सूरत थी। हाँ। किसकी लड़की है? किसी ने ऐसे ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। माँ बाप कौन है? वो तो ठीक पता नहीं, बेचारी यतीम खाने से लाई गई थी। सुंदर का मैं दिमाग खराब हो गया, क्या समझता वो यूं यतीम लड़की के साथ शादी करके बड़े नेकी का काम कर रहा है? चला समाज का उद्धार कर। आप उसका दिल मत तोड़िए, वो उससे शादी करना चाहता है। आप एक बार लड़की वालों से तो मिल लीजिए।
सर बैठिए। सपना कौन है? सपना जी आप मेरी बेटी के बारे में पूछ रहे हैं क्या? आपको मालूम नहीं कि मेरे बेटे सुंदर पर डोरे डाल रही है? जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो सुंदर के साथ शादी के ख्वाब देख रही है, जैसे कि आज छोटे घरों की और हजारों लड़कियों की ख्वाहिश। आप विश्वास कीजिए सर, सपना ऐसी लड़की नहीं है। उसे अच्छे चाल चलन के सर्टिफिकेट देने हो तो घर जाके दीजिए। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आज सपना का ये नाटक मैं बंद कर देना चाहता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सपना ऐसी एक यतीम लड़की जिसे अपने मां बाप तक का पता नहीं, क्या मेरी बहू बनने के काबिल है? मैं पूछता हूं, सपना अगर आपकी अपनी लड़की भी होती तो क्या वो मेरी बहू बनने के लायक थी? आप बड़े आदमी हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। मेसन साहब, आप हमारे यहां कितने अरसे से काम कर रहे हैं? जी ये बाल आप ही की सेवा में सफेद हुए हैं। आपके अपने बच्चे कितने हैं? जी चार। और अगर ये नौकरी आपके हाथ से निकल जाए तो उनका क्या हश्र होगा? और आप जानते हैं, अगर मैं चाहूं तो किसी दूसरी जगह आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सर ऐसा मत सोचिए, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मैंने जी जान से आपकी सेवा की है। तो इतना और कीजिए, सपना की शादी कहीं कर डालिए, मैं 10 दिन की मोहलत देता हूं इसके लिए, अब आप जा सकते हैं। अरे तुम जरा शांत हो, तो मैं कुछ शांति तो मुझे तब मिलेगी जब 10 दिन के अंदर अंदर इस कलमुई को किसी के पल्ले बांध दूंगी, समझे? सपना मेरी बेटी है, कोई ढोर ढंगर नहीं कि किसी के भी पल्ले बांध दूं। तो फिर मैं भी कह देती हूँ कि तुम्हारी लाडली की वजह से मैं अपने बच्चों को भूखा मरते नहीं देख सकती। जब 10 दिन के बाद सेठ जी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे तब क्या होगा? मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैं उसके हाथ पीले करना नहीं चाहता, लेकिन कोई काम का लड़का भी तो नजर आए। क्यों, अपना रामलाल किसी से कम है क्या? लेकिन विद्यावती उसका चाल चलन अच्छा नहीं, वो तो बड़ा शराबी कबाबी है। तो तुम्हारी लाडली को कोई धर्मात्मा मिलेगा क्या? देखो मैं कह देती हूँ, तुम इस मामले में मत बोलना, मैं कल ही लड़के वालों को बुला के शगुन दे देती हूँ, समझे? सपना तुम्हारी कोख से नहीं, फिर भी तुम्हारी बेटी तो है, क्या रामधन शादी के बाद ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, पर हम एक बार सपना से तो पूछ लें। लो अब हमें उसकी भी राय लेनी पड़ेगी। मैं कल ही रामलाल को बुलाती हूँ और रिश्ता पक्का करती हूँ। मामा, दीदी रो रही है। सपना पिताजी, बेटी पिताजी मुझे इस नरक में मत झोंकिए पिताजी, मैं रामलाल से शादी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। बेटी मैं मजबूर हूँ बेटी, मजबूर हूँ। बस बस ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, मैं कल लड़के वालों को बुला रही हूँ और तू कान खोल के सुन ले, अगर तूने कोई बदतमीजी की तो तेरी खाल में घुस भर दूंगी। चलो जी चलो चलो, मैं कह रही हूँ। मिठाई तो बहुत अच्छी है, सपना बिटिया ने बनाई लगती है। समझ गई, जाइए जी सपना से कहिए जरा गरम गरम चाय लाए। खाइए ना खाइए बेटा, रामलाल खाओ ना। सपना बेटी, सपना पिताजी, जिस समय आप ये पत्र पढ़ रहे होंगे मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी, शायद जिंदगी से भी परे, जहाँ से कोई लौट के नहीं आ सकता। मैं सुंदर के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती और आप ये रिश्ता करा नहीं सकते, मैं आपकी इस मजबूरी को अच्छी तरह समझती हूँ, इसलिए अपनी जान देने के सिवा मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा। अब तो आपकी मुराद पूरी हो गई, अब तो मेरी गरीब लड़की का साया आपके ऊंचे खानदान पर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी बेटी का कातिल हूं, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला।
चाहा था, किंतु तुम्हारे प्यार ने इसकी भी हिम्मत मुझ में नहीं छोड़ी। शायद तुम बंबई लौट चुके हो। अगर तुम्हें अब भी मुझसे प्यार है तो इस खत के मिलते ही यहाँ पहुँचो और मुझे जिंदगी और मौत की इस कश्मकश से बचा लो। आइए मैनेजर साहब। देखिए मोहल्ला, यहाँ पड़े हुए आपको आज एक हफ्ता हो गया है। हमारा धर्मशाला का नियम अनुसार आज आपके कमरा खाली करना चाहिए। देखिए मैनेजर साहब, मैं आगे बहुत दुखी हूँ। जिस आदमी की तलाश में मैं कलकत्ते आई थी वो अभी तक मुझे मिले नहीं। मुझे चंद रोज की मोहल्लत और दे दीजिए। अच्छा, तुम्हारे लिए हम चार पांच दिन और देखेगा, फिर नहीं इंतजार करेगा। हाँ, आज भी कुछ पता नहीं चला ना। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है सीमा, फिर भी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं भैया को जरूर ढूंढ निकालूंगा। आज 10 दिन से तुम मुझे यही विश्वास दिला रहे हो, लेकिन मैं अपने नसीब को जानती हूं। तुम मेरी खातिर अपना वक्त जाया ना करो, वापस बंबई चले जाओ। मैं तुम्हारी मायूसी को समझता हूं सीमा, लेकिन तुम ये क्यों भूलती हो, तुम्हारे ही अरमानों की दुनिया नहीं, मेरे भाई भी तो हैं। पर उन्होंने मुझे यूं भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया? ना सीमा, ना, सब ठीक हो जाएगा। हेलो जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ, आप कौन? मैनेजर साहब, मिस्टर गोवर्धन जी। जी हाँ, मैं फौरन नीचे आया। आई सीमा, मुबारक हो, भैया मिल गए। हमारे मिल के मैनेजर का फोन था, वो नीचे इंतजार कर रहा, मैं अभी आया। मैनेजर साहब, मेरे भैया कहाँ और किस हाल में है? क्या बताऊं, कहते हुए शर्म आती है। क्यों, खैरियत तो है? जी आजकल वो बाहर नाम की एक नाचने वाली के चक्कर में है और कई रोज से उसी के मकान पर पड़े हुए हैं। नाचने वाली? भैया और नाचने वाली? ये क्या, इतने खूबसूरत पांव पे अलता लगाने की क्या जरूरत थी? मैं तो इन्हें चूम चूम के ही लाल कर देता। हटिए भी, मर्दों की बात का क्या भरोसा। रात को पांव चूमते हैं और सुबह शक्ल तक नहीं पहचानते। नहीं बाहर, मेरी जान, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम्हारे इन खूबसूरत पांव की कसम। ना भैया ना, पांव की कसम तुम देवियों की खाते हैं जो मर्दों को अच्छे रास्ते पर चलाती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तलाश करते करते पहुंच गया। कौन है ये? ये मेरा छोटा भाई है सुंदर। और सुंदर, ये है मेरी जान बहार। बड़े अपने छोटों की जान पहचान अच्छी और नेक चीजों से कराया करते हैं, और आप मेरा परिचय। सुंदर, कहने दीजिए, मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानती। आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं शुक्रिया। भैया जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना। नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना यहीं बाहर के सामने कहो। क्या हो गया तुम्हें भैया, कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं? इज्जत के साथ साथ अपने ऊंचे खानदान का भी जिक्र करो सुंदर, जैसे कि डैडी किया करते हैं, जिनसे मुझे सख्त नफरत है। बड़ों का जिक्र इस तरह किया करते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ जाके कह दो अपने डैडी डार्लिंग से कि उनका बेटा बागी हो गया है। आज तक उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की शतरंज पर मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन आज मैं आजाद हूँ, उनका गुलाम नहीं। क्या ये भी कोई तरीका है अपनी आजादी जताने का? तुम उनके साथ बैठकर भी तो अपना झगड़ा निपटा सकते हो, इस तरह भागते क्यों हो? कौन कहता है मैं भागता हूँ? किस चीज का डर है मुझे, किस चीज से भागता हूँ? जिंदगी से, हकीकत से, प्यार से, जिसका नाम सीमा है। है नहीं, था कहो, अब उस प्यार का नाम बाहर है। क्यों मेरी जान, तुझे मुझसे प्यार है ना? देखा, इसे तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार है। ये झूठ है, इसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, ये सिर्फ मुझसे प्यार करती है। ये प्यार नहीं, ये धोखा है, फरेब है, ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक का टीका है, ये वैश्य है। हाँ।
यही है इसका और तुम्हारा रिश्ता, शराब का, और मेरा तुम्हारा रिश्ता है खून का, और खून शराब की तरह सस्ता नहीं होता। होती तो बात और थी, क्योंकि हर लड़की किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी की महबूबा होती है, लेकिन भैया एक एक वेश्या के चक्कर में पड़ गए, वेश्या जिसका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता, जो किसी की नहीं होती, और इस वेश्या के झूठे प्यार के जादू में वो अपने आप को, अपने खानदान को, खुद मुझे और तुम्हें भी भूल बैठे, सबको सीमा अब तुम आधे घंटे के लिए सो जाओ, इस इंजेक्शन से तुम ठीक ठाक हो जाओगी, चौथे रोज आना मैं पट्टी बदल दूंगा। सिस्टर मुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं, भगवान ने आपको बचा लिया है, अब आप आधे घंटे के लिए सो जाइए। उठिए नहीं, डॉक्टर साहब का हुक्म है, आप सो जाइए। बोलिए नहीं, डॉक्टर साहब ने बोलना भी मना किया है, अब आप सो जाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक बच्चे के बाप बने हो। क्यों यकीन नहीं आता? पहले बच्चे का बाप बनने की खबर सुनकर अक्सर आदमी नर्वस हो जाया करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, कमजोरी की वजह से ने चक्कर आ गया होगा, अदरवाइज शी इज परफेक्टली हेल्दी। मैंने दवाइयां लिख दी हैं, वो बराबर इन्हें देते रही। आपकी फीस 15 रुपए नर्स को दे दीजिए। ऐसे झूठे बहाने बहुत सुन चुका, मुझे होटल का बिल चाहिए। झूठे बहाने? What do you mean? मेरा मनी ऑर्डर नहीं पहुंचा है, मैं आपको पैसे कहां से लाके दूंगा? ऊपर से I forgot to bring my dance club card. आस्कर। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 4 दिन का बिल चाहिए। हद हो गई है, 4 दिन के पैसों के लिए आप इतने बड़े आदमी की बेइज्जती कर रहे हैं। आप हमारे बम्बई तो आइए, मैं 8 दिन तक आपकी खातर तवाजु करूंगा और फिर भी आपकी बेइज्जती नहीं करूंगा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए, देते हैं पैसे या पुलिस को बुलाऊं? आपको पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं, ये लीजिए और एडजस्ट कर लीजिए अपना बिल, आपको शरीफ आदमी से बात करने की तमीज नहीं। इट इज अ फैक्ट। अरे चिंटू, हो सुंदर, देखा देखा मैनेजर साहब, ये है मेरा मनी ऑर्डर। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वी आर ऑन ए फैबुलस हनीमून टूर, हम लोग तो ऑलरेडी काफी जगह हुए हैं, यहाँ से हरिद्वार गए, गुरुद्वारे गए, राजनंदगांव गए, और यहाँ से झुमरी तलैया जाने वाले थे। वो तो पिताजी का मनी ऑर्डर नहीं आया, इनको शक पड़ गया। मैनेजर साहब इन दोनों का बिल मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। सुंदर हैप्पी। सुंदर तुम सपना से मिले बगैर कैसे चले आए और यहाँ कलकत्ते में क्या कर रहे हो? सपना कहाँ है और ये कौन है? देखो तुम दोनों ऊपर मेरे कमरे में जाओ, मैं सब बताता हूँ। ओके कम ऑन, मेरे कमरे की चाबी। फॉलो मी। थैंक यू। ये वक्त है आपके आने का? कब से बैठी मैं आपका इंतजार कर रही हूँ।
आइए मेरी जिंदगी की खुशकिस्मती बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम। कौन है? हमारा नाम शेख कलीमुल्ला, हम हिज रॉयल हाइनेस महाराज अधिराज सुबीराज सर पच्चन सिंह सन ऑफ के एन सिंह ऑफ धूमधाम नगर का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बहार बेगम को मिलने आया हूँ। मेरा नाम बहार है, कहीं क्या काम है आपको? तामिन्नी तामिन्नी, हमारा महाराज आपका बहुत तारीफ किया, आपका मुजरा सुनना मांगता है। तामिन्नी, आप अपने महाराजा साहब से कह दीजिए कि कुछ दिन हुए मैंने मुजरा करना छोड़ दिया। तामिन्नी, हिज हाइनेस को ना नहीं कहते, कल सुबह ही उनका चार्टर्ड हवाई जहाज उनको टिम्बक्तू ले जाता है। बस एक रात बीच में है, एक रात नाचिए, सोने में तोल देंगे साहब। मैंने कहा ना मैं मजबूर हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपका नसीब खराब है। खैर हम क्या करें। तामिन्नी तामिन्नी, ये लीजिए। ये क्या? नेकलेस। तामिन्नी, इस हाइनेस ने कहा था बहार बेगम ना फरमाए तो ये देना, हाँ फरमाए तो। यानी ना करने पर भी वो नजराना देते हैं? तामिन्नी तामिन्नी, इस हाइनेस के पास रुपया ही रुपया है, और फिर हुस्न और खूबसूरती को तो वो हमेशा नजराना पेश करते हैं। तो फिर आप उन्हें ले आइए, मैं मुजरे के लिए तैयार हूँ। तामिन्नी तामिन्नी, और याद रखिएगा हिज हाइनेस महाराज अधिराज सुबीराज सर बच्चन सिंह सन ऑफ के एन सिंह और धूमधाम नगर, जरा दिमाग के। कोई बात नहीं। तामिन्नी तामिन्नी तामिन्नी। अबे जल्दी कर, भैया के आने का टाइम हो रहा है। सुंदर प्यारे, एक दफा फिर सोच ले, अगर तेरी स्कीम में चली तू सारी जिंदगी इस कोठे पर तबला बजाएगा और मैं सारंगी। चिंटू बेटा, दिल छोटा नहीं करते, याद रख अब तू महाराजा है। महाराजा महाराजा महाराज धीराज सुमीराज पटन सिंह केएल सिंह मेरी प्यारी बहार, मुझे आ रहा है बुखार। Would you like to come in my car? बहार, ये क्या हो रहा है? कौन है बे? ये कबूतर कौन है? ये स्टेशन अखबार, आप बोले तो हम इसको बाहर भेज दें। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं इन्हें भेज कर अभी आती हूँ, आइए मेरे साथ। बको मत, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? निकालो इन्हें बाहर। ओहो, ये कबूतर हमारी बेइज्जती करता है, ने बोलने दो। ये लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरे मेहमान हैं और इन्होंने मुजरे के लिए मुझे मुंह मांगी रकम दी है। मुंह मांगी रकम? कमीनी जली, छोड़ो मेरा हाथ। आ गई ना अपनी औकात में, आज तक मुझसे झूठा प्यार कर। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, मैं कोई तुम्हारी ब्याहता हूँ जो मुझ पर इतना हक जमाते हो? बेशरम बेहया। दुलारे मियां, तेरे लिए मैं अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अपने छोटे भाई पे हाथ उठाया। खबरदार, अगर फिर मेरे भाई पे हाथ उठाया। हाँ, देखती क्या फटी आंखों से, मैं हूं सुंदर, पहचाना मुझे? सुंदर? हाँ भैया, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैंने ये नाटक खेला था। और मैं नाटक कंपनी से ये कपड़े, ये झूठे जेवर और नकली अशर्फियां लाया था, ये सब खोटे हैं। अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा उल्लू बनाया, अच्छा उल्लू बनाया। Ah!
वेरी गुड सुंदर भैया सीमा अब आ भी जा स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बाबू आप यहाँ कैसे? अरे मेहरचंद जी तो सपना के पिताजी आप ही हैं। नमस्ते जी, कमाल है, हमारी मुलाकात कश्मीर में हुई थी जब हम वो टेनिस खेलने गए थे ना। अरे तुम अभी तक यहीं हो इसी स्कूल में? ये हैं अपने सेठ श्रीवास्तव के लड़के मिस्टर सुंदर। नमस्ते, नमस्ते। आइए सेठ जी, आइए बैठिए। अजय मैं कुछ नहीं, बड़ा सीधा साधा सुंदर हूँ। दरअसल मैं कलकत्ते से अभी भी वापस आया और सोचा कि रास्ते में सपना से मिलता जाऊँ। आप भी बैठिए। हाँ। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। सपना कहाँ? जाओ ले जाओ वहाँ जहाँ से लाए हो, मेरे घर में इसकी कोई जगह नहीं। बस सोच समझ की बात कीजिए डैडी, मैंने ब्याह के लाया, ये आपकी बहू है। इसे मेरी बहू मत कहो, ये तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। पर डैडी क्यों, आखिर क्या कसूर है शरीफ का? कसूर जानना चाहते हो? मैं पूछता हूँ इसकी औकात ही क्या है, समाज में क्या दर्जा है इसका? मैं एक मामूली घराने की लड़की को अपनी खानदान की बहू स्वीकार करके अपने खानदान को कलंकित नहीं कर सकता। और तुम भी अगर अपनी भलाई चाहते हो अभी अभी इसी चलता कर दो। नहीं डैडी, सीमा अब मुझसे अलग नहीं हो सकती। मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूं, आपको। मेरे नाम और मेरी दौलत के सहारे के बाहर तुम्हारी पोजीशन क्या होगी? जिसे आप सहारा कहते हैं ये वो बोझ है जिसके तले में उम्र भर दबा रहा हूं। आज तक आप मुझे अपने इशारों पर चलाते रहे और मैं आपके रहम पे जीता रहा, लेकिन आज मैं इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहता हूं। महेंद्र तू होश में तो है? मैं होश में हूं मां, शायद जिंदगी में पहली बार, लेकिन ये अपने होश खो बैठे। चिल्लाइए मत, मैं खुद इस गुलामी की फिजा में एक पल नहीं रहना चाहता। चलो चलो, और जब तक मैं जिंदा हूं आपसे नफरत करता रहूंगा। इससे नफरत करने में तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ, मेरा रोम रोम इनसे नफरत करता रहेगा। तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? ये खत पढ़ो मां, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कितने जालिम है। अच्छा तो तुम इस लड़की को साथ लेकर कलकत्ते गए थे? और आपने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर एक मासूम लड़की का खून कर डाला। ये आपने क्या किया? ये खत फाड़ कर आप अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। अदब से बात करो, तुम्हारे भाई भाई जितना सब भूल गए क्या? और आप क्या समझते कि मैं आपके खून से रंगे हाथों को चूमूंगा? आज मेरे हाथ भी उठ जाएंगे। बेटा सुंदर ना, बेटा ना। मार पीट सिर्फ वही इंसान करता है जो सोचने समझने की शक्ति खो देता, और मैं अभी तक अपने होश में हूँ। निकल जा यहाँ से। क्या हो गया है? सीरे तुम इस बात मत बोलो, निकल जाने दो उसको। और इसे ही मेरे बेटे नहीं, पर मेरे बेटे तो हैं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। ये मेरा घर है और मेरी मर्जी खिलाफ यहाँ कोई नहीं रह सकता। लेकिन मेरा भी तो अधिकार है इस घर पर। इस घर में मेरे सिवाय किसी का अधिकार नहीं है। जहाँ इंसान की इज्जत नहीं माँ, वहाँ रहना नहीं चाहिए। और तुम भी हमारे साथ। अरे ने इस घर की वीरानी में तन्हाई के मजे लूटने दो।
ऊपर चली जाओ, नहीं तो उम्र भर पछताओगी। इस घर में नौकरानी की तरह रहने की बजाय मैं अपने बच्चों के साथ उनकी मां बनकर रहना पसंद करूंगी। ये बात तो दूर हो जाओ तुम्हें मेरी आंखों के सामने से, और कान खोल के सुन लो तुम लोग, कल को तुम लोग गिड़गड़ाते हुए घुटनों के बल चल कर भी आए तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। यह खुशी हमारी तरफ से इस जन्म में आपको नसीब नहीं होगी। चलो डॉक्टर साहब, आपको एक खबर देनी है। क्या? मैं लाओस जा रही हूँ। लाओस? किस लिए? अपनी गवर्नमेंट एक मेडिकल मिशन लाओस भेज रही है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। तुमने दरखास्त दी थी क्या? जी, 10 दिन हुए मैंने पेपर में पढ़ा था कि वहाँ नर्सों की सख्त जरूरत है, मैंने भी अप्लाई कर दिया था और आज उनका जवाब आया है कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। मुझे खुशी है कि तुम में दूसरों की सेवा का शौक जाग उठा, पर इसके लिए इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? यहाँ भी तो रोगियों की कुछ कमी नहीं। अब यहाँ मेरा दम घुटता है डॉक्टर साहब, यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, और फिर आजकल लाओस में नर्सों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम जहाँ भी जाओ मेरी आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कब जाना है? 3 दिन के बाद हम लोग हवाई जहाज से लाओस भेज दिए जाएंगे। किससे बाहर है? क्या हुआ है तुम्हें? मेरा दिल इस घर की हालत पर रो रहा है बाबूजी। आज 30 वर्षों में पहला दिन है कि जब बहू रानी नहीं, मैं आपका खाना परोस रहा हूं और आप अपने परिवार के साथ नहीं, अकेले बैठे खाना खा रहे। मेरे सामने उनके नाम मत लो, मेरे लिए सब लोग मर चुके। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। मरा तो आपका दिल है बाबूजी, क्योंकि आपके दिल का प्यार मर चुका है। भगवत, मैं व्याख्यान सुनना नहीं चाहता। तुम इस घर के नौकर हो, एक नौकर की हैसियत में रहकर बात करना सीखो। उल्लू कहकर जान तो मेरी मिर्ची नहीं खाता, क्यों जला रहा है? बहू रानी आपका खाना खुद बनाती थी, और किसे मालूम वो इसमें मिर्ची डालती थी नहीं डालती थी। शट अप! बहू रानी का बच्चा क्यों जला रहा है मेरा? ब्लास्ट, ये बर्फ किसने डाली है? तुम ये मेरी आंखों में बर्फ नहीं पीता हूं? जा मेरे लिए सारा बागी लेकर आओ। बूढ़ा हो गया, अंकल नहीं आई अभी तक, बड़ा बड़ा रोटियां तोड़ता है। मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पीता हूं, किसी को होश नहीं इस बात का। अरे कहां मर गए? पानी ला रहे हैं, कुआं खोद रहे हो? बाबूजी, अब आपको जो खाना पीना हो किसी और से मंगवा लीजिए। क्या मतलब? मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। कमीने! क्या कहा तुमने? तुम्हारी मजा नमक हराम? ठीक कहा आपने बाबूजी, नमक हलाल होता तो आपके परिवार के साथ ही मुझे चला जाना चाहिए था। फिर भी मैं यहाँ रुका रहा, यह जरूर नमक हरामी थी, पर मैंने सोचा कि आप अपने किए पर पछताएंगे और अपने घर की इज्जत को और अपने जिगर के टुकड़ों को मनाकर वापस ले आएंगे। ये भी मेरी भूल थी। चाहो ले जाओ अपनी मनहूस सूरत गैस, आखिर तूने कमजात नौकर, दोनों का खून ही नहीं छोटा। और आपका बड़ा ऊंचा बंसी, बड़ा पवित्र है ना बंसी? कह तू सच्ची बात, सुन सकेंगे बाबू जी, छाती तो नहीं फट जाएगी सुनकर? कौन सी सच्ची बात?
सोच समझ के बात करना तो जबान खींचूंगा कमीने। मैं कमीना होता तो आपके खानदान का ये राज 50 साल से अपनी छाती में छुपाए न रखता। मैंने आपके पिताजी को वचन दिया था कि जिंदगी भर आप पर जाहिर न होने दूं कि वो आपके पिता नहीं, और आप श्रीवास्तव खानदान की औलाद भी नहीं है। बंसी, अपने पास वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। कह दो ये झूठ, कह दो तुम अपने होश में नहीं हो, कह दो तुमने अपने पागलपन में ये सब बका। मैं अपनी तुम्हारे सफेद बालों पर दर्श खा के तुम्हें माफ कर सकता हूँ। मैं इन्हीं सफेद बालों की सौगंध खाकर कहता हूँ बाबूजी, ये सब सच है। मैं अपने हाथों से आपको यतीम खाने से लेकर आया था। के घर में कोई औलाद नहीं हुई थी, फिर उन्होंने और बीबी जी ने एक बच्चा चुपके से गोद देने की ठान ली और मुझे अपना राजदार बनाकर आपको एक यतीम खाने से ले लिया। आपके अपने माँ बाप का पता यतीम खाने वाला कोई ना लगता। ये झूठ है, ये झूठ है बल्दी, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। बाबूजी, पूरे 24 घंटों के बाद आपने अपनी आंखें खोली, भगवान ने आपको बचा लिया। डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपको दिल का दौरा पड़ा था, अब पूरे 2 महीने बिस्तर से नहीं उठना होगा बाबूजी। ये लगता हूँ बंसी, मैं बिस्तर में कैसे पड़ा रह सकता हूँ। मुझे अपने घर वालों को मनाना है, सीमा से माफी मांगनी है, सबको लौटा के लाना है। सच बाबू जी? हाँ मुंशी, तुमने तो मुझ पर एहसान किया, मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे रोको नहीं, मैं अपने घुटनों के बल चलकर उन्हें मना लाऊंगा। नहीं नहीं बाबूजी, आप मत उठिए, आप मत उठिए बाबूजी। वो लोग आप ही का परिवार नहीं, मेरे भी तो सब कुछ वही है, मैं ही उन्हें मना कर लाता हूँ। नहीं माँ, ऐसे नहीं हो सकता। जाने से पहले सोच लो कि तुम्हें अपने बेटे प्यारे हैं या वो। तुम और सुंदर मेरी आंखों का नूर हो और वो मेरे दिल की धड़कन। जब दिल की धड़कन ही बंद होने लगे तो आंखों का नूर कैसा। अगर तुम दोनों नहीं आना चाहते तो मत आओ, मैं अपनी बहू को। तुम नहीं जा सकती सीमा। सीमा मेरी बहू है, वो मेरा कहना नहीं डाल सकती। चलो बेटी, आप भी हमारे साथ चलिए, ये वक्त रूठे रहने का नहीं। जब उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है तो आपको भी उन्हें माफ कर देना चाहिए। जो सलूक उन्होंने मेरे साथ किया मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, और तुम भी नहीं जा सकती। तुम मेरी बीवी हो, औरत मर्द की परछाई होती है। आप इस वक्त गुस्से के अंधेरे में खड़े हैं और अंधेरे में परछाई साथ नहीं देती। वो बीमार हैं, हमें उनके पास रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। आप चलिए हमारे साथ। चलो महेंद्र, तुम चलो बेटे। सुंदर चलो, तुम चलते तो अच्छा था, उन्हें तुम दोनों की जरूरत है। बहू,
वो पास आओ पिताजी। मेरी बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे क्षमा कर। पिताजी, अब और कुछ कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए। तुम बहुत अच्छी बेटी, तुम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मेरे बेटे नहीं आए ना, आते भी कैसे? मैंने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, उन्हें मुझे कभी माफ नहीं करना चाहिए, कभी माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उनके बगैर जीऊंगा। डैडी, महेंद्र आओ बेटा, आओ। सुंदर, मेरे बच्चों, तुमने मुझे माफ कर दिया, मैं कितना खुश नसीब, मैं कितना खुश नसीब हूँ। सुंदर, जाओ बेटे, सपना को ले आओ, सपना को ले आओ। सपना, सपना जिंदा है? हाँ बेटे, तुम्हारी सपना जिंदा है, वो तुम्हारी तलाश में कलकत्ते गई थी, वहां से उसने तुम्हें एक चिट्ठी लिखी थी, जो मैंने अपने झूठे गुरूर में जला डाली। चिट्ठी लिखी थी कब? जब तुम सीमा बिटिया को लेकर कलकत्ते गए थे। आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? तब मैं नहीं चाहता था कि तुम उस तक पहुंच सको और उससे शादी कर लो, लेकिन ये मेरी भूल थी बेटे, ये मेरी भूल थी। तुम हवाई जहाज चार्टर करके ले जाओ, बिटिया को ढूंढ के लाओ, बिटिया को ढूंढ। अगर सपना जिंदा है तो मैं उसे लेकर ही कलकत्ते का एड्रेस याद है आपको? चिट्ठी किसी आश्रम से आई थी। बस इतना काफी है, अब मैं सारा कलकत्ता छान मारूंगा। अरे सर के लिए कुछ पैसे तो लेता जा। सपना बेटी, सब सामान गाड़ी में रख दिया। सिस्टर, सामान टैक्सी में रख दिया। खत बराबर डालती रहना, और जब कभी वतन की याद आए तो सीधी मेरे हाथ चली आना। तुम्हारे बगैर अब मेरा दिल भी इस अस्पताल में नहीं लगेगा। नहीं, वो चली गई। हम समझता है वो टालीगंज में डॉक्टर बाकू बनर्जी के पास नर्स का काम करती है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब प्लीज, सपना कहाँ है? तुम वही हो ना, तुम्हें अब सपना से क्या लेना है? डॉक्टर साहब, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसकी खातिर बंबई से प्लेन चार्टर करके आया हूँ। अकेले आए हो या अपनी बीवी को भी साथ लाए हो? बीवी? वही जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, जिसे लेकर तुम मेरे अस्पताल में आए थे। डॉक्टर साहब, वो तो मेरी भाभी है, मेरे बड़े भाई की बीवी, मेरी माँ समान है वो। ओहेल, तो फिर ये बात तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताई जब मैंने तुम्हें मुबारकबाद दी थी? उस वक्त उनकी इज्जत का सवाल था डॉक्टर साहब, और मुझे हर हालत में उनकी लाज रखनी थी, इसलिए मैं आपके सामने चुप रहा। ओ माय गॉड, क्या अंधेर हो गया। सपना उस दिन इसी अस्पताल में थी जब तुम अपनी भाभी को उस हालत में लेकर यहां आए थे, और वो अब तक यही समझ रही है कि तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो, और इसीलिए आज वो 11:20 के प्लेन से हमेशा के लिए इस मुल्क को छोड़कर लाओस जा रही है। लाओस जा रही है 11:20 के प्लेन से? जल्दी से एयरपोर्ट, ये लो, अब जल्दी चलो। ये मेरी जिंदगी मौत का सवाल है,
ओह गॉड, सर जल्दी चलाओ, ये सिग्नल तोड़ दो सिग्नल को। जल्दी चलाओ। ड्राइवर, टैक्सी रोको। लाइसेंस निकालो अपना। इंस्पेक्टर साहब, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, मैंने इसे। लुक मिस्टर, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। लाइसेंस निकालो अपना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, लुक ऑफिसर, आप भी मेरी इतना जवान है, आपका दिल भी जरूर किसी की मोहब्बत में धड़कता होगा। आज मेरी महबूबा हमेशा के लिए मुझसे रूठ कर हिंदुस्तान छोड़कर जा रही है 11:20 के प्लेन से। अगर प्लेन उड़ने से पहले मैं वहां नहीं पहुंचा तो हमेशा के लिए मेरी पहुंच से, मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगी। मुझ पर तरस खाइए इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, तो ये दिल का मामला है जी? तो फिर इस खटारे में क्या करे हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं। पुलिस वालों को लोग हमेशा गलत समझते हैं, हमारे पहलू में भी दिल होता है और हम दूसरों का दुख बताना भी जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम वक्त पहुंच जाएंगे ना? मुझे डर लग रहा है कहीं देर ना हो जाए। तुम एक काम करो, यहां से अपनी महबूबा को एयरपोर्ट फोन कर दो कि तुम आ रहे हो, ताकि वो प्लेन ना पकड़े। May I have your attention, please? May I have your attention, please? Calling passengers Miss Sapna Dyal, travelling on Boeing 707, flight number 103. Could she kindly contact the ground staff as there is an urgent call? Thank you. Hello? Hello, Sapna. Miss Sunder bol raha hu. Main tumhara ke haath jodta hu, telephone band mat karna. ये मेरी जिंदगी की मौत का सवाल है। सपना, मैं सीधे बंबई से आ रहा हूँ। तुम्हारा आश्रम लिखा वक्त मुझे नहीं मिला, पिताजी ने चला डाला था उसे। सपना, आई लव यू। सपना, डॉक्टर बैनर से पता चला कि तुम्हें मेरी तरफ से कोई गलत फहमी। मेरी जान पगली सीमा मेरी भाभी है, मेरे भैया की, मेरे बच्चे की माँ थी, उनकी इज्जत का सवाल था। अब पिताजी ने उन्हें स्वीकार कर लिया और वो तुम्हें भी स्वीकार करना चाहते हैं, और तुम जानते नहीं सारे घर वाले तुम्हें अपनाने के लिए कैसे तरस रहे हैं। देखो सपना, अगर तुम चली गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आई लव यू सपना, मुझे अपने प्यार का सहारा दे दो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सपना, आई लव यू। तुम प्लेन मत पकड़ना, मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ। सपना, आई बात तक नहीं सुनी इंस्पेक्टर साहब, फोन ही बंद कर दिया। फिक्र मत करो, अगर उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत है तो वो कभी प्लेन नहीं पकड़े। I'm sorry, प्लेन उड़ गया।
कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपने तो भरपूर कोशिश की, लेकिन सपना की तलाश में मैं दुनिया का कोना कोना छान मारूंगा। इसके लिए तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तड़प कर यही कहेगी सदा रही है।